बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डीप लर्निंग प्रोजेक्ट नंबर 4। नाउ लेट मी शो यू समथिंग अमेजिंग। जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बट नॉर्मली इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग वी यूज़ 6 इमोशंस for classification or detection from text. First one is love, second one is fear, third one is anger, fourth one is sadness, joy and surprise. So आज हम एक end to end NLP deep learning project करने वाले हैं, जिसमें हम किसी भी text से emotions को detect करेंगे using a lot of data set. तो मॉडल का जो आउटपुट होगा वो मैं दिखाऊंगा, बट लेट मी शो यू समथिंग हेयर। एक सेंटेंस है, किसी बंदे ने यहाँ पे बोला है, ही वॉज स्पीचलेस, वो उसका मुंह बंद हो गया। व्हेन ही फाउंड आउट, जब उसे पता चला, ही वॉज एक्सेप्टेड टू दिस न्यू जॉब, कि वो नए जॉब के लिए एक्सेप्ट हो गया। तो मॉडल प्रेडिक्ट करेगा जॉय, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंदे का जो इमोशन है वो खुशी है, जॉब लग गया तो खुश है। This is outrageous, ये बहुत ही घिनौना है, बहुत ही बुरा है। How can you talk like that? आप किस तरह से, आप कैसे से बात कर सकते हो? अब यहाँ पे गुस्सा है मेरा, जो बंदा मेरे से बात कर रहा है उसकी जो बात करने का तरीका है वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने कहा ये बहुत ही बकवास है, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा एंगर। इसी तरह आई फील लाइक आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस दुनिया में बहुत ही अकेले हूँ। तो यहाँ पे मैं सैडनेस दिखा रहा हूँ, अपना इमोशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेट मी शो यू आर एंड टू एंड प्रोजेक्ट ऐप। तो मेरे पास एक सेंटेंस है, मैं इसको एक बार से रिलोड करता हूँ ताकि मैं आपको स्टार्ट से दिखाऊँ। मेरे पास एक सेंटेंस है, आई एम फीलिंग ग्राउची, यहाँ पे मैं एंगर दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया एंगर, ठीक है, और इसका जो लेबल है वो 0 है। ये मैं जब डेटा सेट आपको बताऊंगा वहाँ पे समझाऊंगा। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। ही इज वेरी स्वीट एंड केयरिंग। अब यहाँ पे मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत ही स्वीट और केयरिंग है, तो ये एक लव है। इस इमोशन का जो प्रेडिक्शन होगा वो लव होगा। इसी तरह कुछ और देखते हैं, जैसे कि ही हेट्स यू, अब यहाँ पे नफरत है, एंगर है, तो ये गुस्सा। बट मेरे पास कुछ सैम्पल्स हैं, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हमारा जो ऐप है वो किस तरह काम करता है। आई एम एवर फीलिंग नो स्टैल्जिक अबाउट द फायर प्लेस, आई नो दैट इट इज स्टील ऑन द प्रॉपर्टी, सो ये लव है। एक्चुअली यहाँ पे जॉय आना चाहिए, बट समटाइम मॉडल भी मिस्टेक करता है, लेकिन ओवरऑल इस मॉडल का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। चले एक और देखते हैं, जैसे कि ये तो हमने इस वाले को देखते हैं, अब यहाँ पे जॉय है, देखते हैं कि मॉडल क्या प्रेडिक्ट करता है। सो लेट मी पेस्ट, ही वॉज स्पीचलेस When he found out he was accepted to his new job, वही बंदे की जॉब लग गई तो जॉय है, ठीक है। सो ओवरऑल ये मॉडल बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। What you will learn in this project? सबसे पहले हम डेटा उठाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स करेंगे। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट होगा, तो उस टेक्स्ट पे हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उस टेक्स्ट को हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करेंगे नंबर वाला? TF-IDF वेक्टराइजर, जिसको मैं बड़े डिटेल से समझाऊंगा। फिर हम टॉप 5 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत EDA भी परफॉर्म करेंगे ताकि हम डेटा से हिडन इन्फॉर्मेशन निकाल सके। टॉप 5 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करके जिसका रिजल्ट अच्छा होगा, अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा होगा, उसको हम सेव करके यूज़ करेंगे आगे प्रोडक्शन लेवल पे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे डीप लर्निंग, चूँकि ये डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट नंबर 4 है, जहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। बहुत ही बढ़िया एल्गोरिदम है, स्पेशली टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। और फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि LSTM का आर्किटेक्चर क्या है। जिस तरह पिछले 3rd प्रोजेक्ट में मैंने CNN को भी आपको एक्सप्लेन करके दिया था, इसी तरह हम LSTM को ग्राफ्स एंड मैथमेटिक्स के थ्रू समझेंगे। एंड फाइनली हम तमाम फाइल्स को सेव करेंगे
और ये ऐप बनाएंगे। और तो आप लोगों ने अगर ये डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स का प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस करो, क्योंकि हम बहुत सारे एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो मैंने नोटबुक ओपन किया है, अब इस प्रोजेक्ट के फ्लो को समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मेरे गिटहब के अकाउंट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा, इसी ही गिटहब के अकाउंट पर आपको डेटा भी मिल जाएगा, आप डेटा वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन जैसे आप ये नोटबुक रन करोगे तो पहले ये सेल रन कर लेना ताकि तमाम लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाए। नाउ लेट्स इम्पोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डीप लर्निंग मॉडल्स। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्रॉम केरॉस यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। केरॉस के मॉडल्स में जाके वहाँ से इंपोर्ट करता हूँ सिक्वेंशियल। अब सिक्वेंशियल क्या है, ये कोई भी डीप लर्निंग मॉडल बनाने में हेल्प करता है। ये एक्चुअली एक लीनियर स्टैक लेयर्स क्रिएट करता है, जिसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम केरॉस के अंदर जाके लेयर्स से इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे एम्बेडिंग लेयर, चूँकि हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसको सिक्वेंशियल होना चाहिए एक्चुअली एम्बेडिंग लेयर। यहाँ पे मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और उसके बाद LSTM, अब ये LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी एल्गोरिदम का एक लेयर है, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे एम्बेडिंग वर्ड्स एम्बेडिंग करने के लिए। उसकी क्या है मैथमेटिक्स वो भी देखेंगे और इंटुएशन भी देखेंगे, ओके। उसके बाद डेंस लेयर भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इट शुड बी डेंस, स्पेलिंग की कोई गलती नहीं होना चाहिए, सेम एज इट इज़ मुझे फॉलो करो, ठीक है। एंड ड्रॉप आउट लेयर, ड्रॉप आउट लेयर क्या करता है ये एक्चुअली आगे मैं आपको बताऊंगा बड़े डिटेल के साथ। उसके बाद हम अर्ली स्टॉपिंग इंपोर्ट करता है कॉल बैक से। सो फ्रॉम केरॉस डॉट कॉल बैक से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है अर्ली स्टॉपिंग, जो मॉडल को और फिटिंग से बचाता है, कैसे वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम वन हॉट इन कोड यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम केरॉस डॉट प्री प्रोसेसिंग, जिस तरह साइकिटलन के प्री प्रोसेसिंग से हम लेबल इनकोडर वन हॉट इनकोडर इंपोर्ट करते हैं, इस तरह डीप लर्निंग में आप केरॉस के प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करते हो वन हॉट इनकोडर। आप सबको पता है वन हॉट इनकोडर वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करता है, सो ये एक्चुअली होता है वन हॉट जस्ट। उसके बाद आपको प्री प्रोसेसिंग के सीक्वेंस से पैड सीक्वेंसेस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे। सो केरॉस के अंदर जाके प्री प्रोसेसिंग से के अंदर जाके सीक्वेंस को कॉल करके उससे आपको इंपोर्ट करना पड़ता है पैड सीक्वेंसेस। अब पैड सीक्वेंसेस क्या करता है ये भी हम आगे देखेंगे डीप लर्निंग में, स्पेशली टेक्स्ट के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली केरॉस से हम इंपोर्ट करते हैं, केरॉस के यूटिल से आपको मिल जाएगा टू कैटेगोरिकल लेबल्स को बाइनरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इमोशन के साथ डील कर रहे हैं। नाउ लेट्स इंपोर्ट सम डीप लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल। सो फ्रॉम sklearn.sklearn.preprocessing प्री प्रोसेसिंग से मैं इंपोर्ट करता हूँ लेबल इनकोडर, ये हम आगे देखेंगे। लेबल इनकोडर एक्चुअली किसी भी वर्ड को या किसी भी कैटेगरी को नंबर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑल राइट, मुझे नम पाई पांडास भी चाहिए तो जल्दी जल्दी वो भी इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट नम पाई एज NP, देन ओके NP, देन इंपोर्ट पांडास एज PD। उसके बाद मुझे पिकल लाइब्रेरी भी चाहिए, पिकल जब हम फाइनली फाइल सेलेक्ट करके सेव करेंगे वेबसाइट के लिए ऐप के लिए तो वहाँ पे काम आता है, आगे देखेंगे। और प्री प्रोसेसिंग के लिए NLTK जो नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है, बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है, ये भी हम यूज़ करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन क्लीनिंग के लिए टेक्स्ट को, और यहाँ पे मैं जो क्लीनिंग के वक्त स्टैमिंग के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ करता हूँ NLTK लाइब्रेरी के अंदर है के अंदर, वो है पोर्टर स्टैमर, और ये मैं आपको बताऊंगा आगे। सो फ्रॉम NLTK डॉट एक्चुअली स्टैम से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है पोर्टर स्टैमर और भी बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, इनका क्या काम है ये हम आगे एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। अब कुछ विजुअलाइजेशन EDA के लिए हम इंपोर्ट करते हैं सीबॉन, सबको पता है एज SNS, एंड इम्पोर्ट मैट प्लॉट lib डॉट पाई प्लॉट एज PLT। एंड फाइनली एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है, टेक्स्ट के जो वर्ड को आप विजुअलाइज करते हो
वर्ड क्लाउड, ये हम आगे देखेंगे, अभी के लिए जस्ट इम्पोर्टेड। इसके अंदर से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, वर्ड क्लाउड लाइब्रेरी है, इसे आपको इंपोर्ट करना पड़ता है वर्ड क्लाउड। सो ये सारा काम करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, होपफुली यहाँ पे कोई एरर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई एरर है। ओके, कैन नॉट इंपोर्ट नेम वन हार्ट फ्रॉम केरोज डॉट प्री प्रोसेसिंग। ओके, सो एक्चुअली ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ की है, ये एक्चुअली टेक्स्ट के अंदर होता है, आपको टेक्स्ट यहाँ पे कॉल करना पड़ता है। सो ये इसके बहुत सारे पंगे हैं, बट वक्त के साथ जब आप बहुत सारे डीप लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब इन सबको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, बट एक्सप्लेन करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द डेटा सेट। सो हमारे पास जो डेटा सेट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है गिटहब का, वहाँ पर जाके डेटा का नाम है ट्रेंड डेटा आई थिंक। सो मैं इस डेटा को नाम देता हूँ ट्रेंड डेटा, ठीक है, यानी एक्चुअली मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। अब ये मेरे लोकल फोल्डर में पड़ा है, तो आप भी अपने लोकल फोल्डर में इसको रखना, pd.read.csv, और मेरे डेटा का नाम है trend.txt, एक्चुअली trend नाम है इसका। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं हेडर को नन रखता हूँ क्योंकि इसमें कुछ पंगे हैं, तो उससे बचने के लिए मैं हेडर को नन रखता हूँ। और यहाँ पे कुछ एरर्स आते हैं कॉलन वाले, तो मैं सेपरेटर का यूज़ करूँगा। दिस आर सम यू कैन से के यहाँ पे मुझे जस्ट, अच्छा इसके अंदर बहुत सारे कॉलम है, बट मुझे चाहिए कमेंट, जो लोगों ने कमेंट किए हैं और उसका जो इमोशन है। मैं अभी के लिए जस्ट इन टू कॉलम्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इनकोडिंग को रखता हूँ UTF, ठीक है, चूँकि टेक्स्ट है, मैं भी कोई पंगा हूँ यानी एरर दें, पंगे से मेरा मुराद एरर होता है, ठीक है, वी आर टॉकिंग इन देसी भाषा। सो यहाँ पे UTF एट, और मैं इसको कट करता हूँ। एक्चुअली मैंने एक और काम करना था, मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, होपफुली मैंने अच्छे तरीके से इसको इंपोर्ट किया। सो लेट मी रन इट। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड डेटा दिखाऊँ, ये ट्रेंड डेटा है, ये कॉमेंट है, किसी बंदे की फीलिंग है, टेक्स्ट है, आई डिडंट फील ह्यूमिलेटेड, आई कैन गो फ्रॉम फीलिंग सो होपलेस टू सो डिमांड अप टू सॉल्व, और उसके आगे है सैडनेस, एंगर यानी इमोशन है। बट मैं क्या करता हूँ कि ये जो कमेंट है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, आई डिडंट फील ह्यूमिलेटेड, यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4 वर्ड्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं हर सेंटेंस, जितने भी कॉमेंट्स के अंदर सेंटेंसेज, अगर मैं शेप दिखाऊँ, उप्स एक्चुअली मैंने दिखाया है ऑलरेडी, नीचे कॉमेंट किया है, ये अगर आप शेप देखो तो इसमें हमारे पास दिस इज द शेप, 16,000 कमेंट्स है लोगों के, 16,000 सेंटेंसेस हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर सेंटेंस के लेंथ निकालो कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, जैसे कि इसमें 4 हैं, तो जुगाड़ू टेक्निक यहाँ पे हमने लगाना होगा, बहुत ही सिंपल है, देखना, मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करूँगा, फॉर एक्स इन ट्रेंड डेटा, ठीक है, ट्रेंड डेटा के कमेंट में घुस के और जो एक्स आएगा उसका लेंथ निकालोगा सिंपली, यानी ये क्या करेगा, ये लूप 16,000 बार चलेगा और हर बार फर्स्ट टाइम इस सेंटेंस को उठाएगा और ये एक्स के पास आएगा और इसका मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, ये क्या करेगा, 4 लेंथ इसका जनरेट करेगा, और इसको पलट के इसी ही डेटा के अंदर एक और कॉलम बनाता हूँ, ट्रेंड डेटा के अंदर लेंथ आगे काम आएगा, वैसे है ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है, बट मे भी आगे काम आ जाए। अब अगर मैं डेटा देखूँ तो ओके, एक्चुअली यहाँ पे करेक्टर की बात हो रही है, सॉरी नॉट वर्ड, सो 1 और स्पेस भी काउंट होगा, 2, उसके बाद D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, L will be 18, I will be 19, A 20, 21, 22, 23, तो ये देखो 23 आ गए। अब इस वाले सेंटेंस में आगे और भी हैं, तो ये टोटल 108 कैरेक्टर्स हैं। सो यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात हो रही है, ना कि वर्ड्स की, परफेक्ट। सो अब अगर मैं शेप दिखाऊँ तो वही होगा, ठीक है, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ नल वैल्यू, तो आप ट्रेंड डेटा के ऊपर कॉल करो, इस नल को, इसके बारे में बड़े डिटेल से हमने पढ़ा है, उसको सम कर दो, कोई नल वैल्यू नहीं है। बट अगर आप डुप्लीकेट देखना चाहते हो तो ये आपको डुप्लीकेट फंक्शन कॉल करना होगा, यहाँ पे एक डुप्लीकेटेड है, लेट्स रिमूव इट। सो ट्रेंड डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, और उसके अंदर इन प्लेस करो को ट्रू, क्योंकि ये जो एक वैल्यू है इसको मैं हमेशा के लिए यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो अब डुप्लीकेट भी हट गया। अब हमारे पास टेक्स्ट है और इमोशन है और उसका लेंथ है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ EDA परफॉर्म करे, जैसे कि
अगर मैं ट्रेन डेटा के अंदर जाऊं और उसका जो इमोशन वाला कॉलम है वो निकलवाओ, सो एक्चुअली इसके अंदर हमारे पास 6 इमोशंस हैं। तो इस पे अगर मैं वैल्यू काउंट्स को कॉल करूं, मैं एक बार रिकॉर्डिंग देखना चाहूँगा। ओके, वैल्यू काउंट्स, तो यहाँ पे आप देख लेना जो हमारे पास डेटा है, ये जोए है, जोए आया हुआ है 5361 टाइम्स, सैडनेस आया हुआ है 4666, एंगर 2159, फियर 1937, लव इज दिस, सरप्राइज इज 572, सो डेट इज इम्बेलेंस। बट लेट मी एसएनएस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके अगर मैं काउंट यहाँ पे यूज़ करूँ और इसके एक्स पे मैं रखूँगा अपना टेक्स्ट, यानी जो एक्चुअली मेरे इमोशन वाला कॉलम है लाइक दिस, और उसके बाद PLT.show करके इसको रन करो, तो ये देखो यहाँ पे सैडनेस, आई थिंक जोए की जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा है, जोए की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, सो डेटा इज इम्बेलेंस, बट स्टिल वी विल गो विद इट। लेट्स चेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। अब पहले इस ग्राफ को देखो, डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि क्या आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है। तो अगर ये अब एक्चुअली यहाँ पे ये जो ब्लू है ये सैडनेस की वैल्यूज हैं, ये जो एंगर है ये कलर, दिस कलर ऑरेंज कलर, ये रिप्रेजेंट करता है एंगर को और ये लव को, ऑल दिस। ओके, तो यहाँ पे डेटा अगर आप देखें तो ये राइट स्क्यूड है, ना तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना लेफ्ट स्क्यूड है, बट या ये राइट स्क्यूड है। जितने भी हमारे पास लेबल्स हैं उन सब के जो कॉमेंट्स हैं वो राइट स्क्यूड हैं। सो हमने क्या करना है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, हमने ये प्लॉट यहाँ पे प्लॉट करना है ताकि हम डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे समझ सकें। कैसे होगा, सिंपल है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेटा की कॉपी बनाऊँ, मैं DF2 के नाम से एक क्या करता हूँ, ट्रेंड डेटा के अंदर जाके कॉपी मारता हूँ। अभी सारा का सारा डेटा DF2 के पास आ गया, और उसके बाद मैंने लेंथ निकालनी है। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेंथ वैल्यूज, यानी एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो लेंथ है, लेंथ करेक्टर्स का, उन सबको मैं नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दूँ। तो उसके लिए मुझे DF2 के अंदर जाके, क्योंकि अब लेंथ वाला कॉलम इसी के पास है, उप्स ये क्यों नहीं आया, लेंथ और उसका वैल्यूज़ निकालूँ। अभी क्या करेगा, ये सारे के सारे वैल्यूज निकलवाएगा। अगर मैं अभी के लिए इसको हटाऊँ और इसको जस्ट रन करूँ, तो ये देखो वो जो कैरेक्टर थे वो सारे के सारे एक नंपाई एरे में कन्वर्ट हो गए। ये फर्स्ट सेंटेंस के सारे कैरेक्टर, ये सेकंड सेंटेंस के सारे कैरेक्टर, ऑल दिस हो गए। उसके बाद में इसको स्टोर करूँगा इस वाले वेरिएबल में, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ऊपर करता हूँ। अब मैं इसको प्लॉट करूँगा, तो बहुत सिंपल है, हिस्टोग्राम प्लॉट आप यूज़ करते हो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। सो SNS के अंदर जाके हिस्ट प्लॉट को कॉल करो, और इसके अंदर एक डेटा पैरामीटर होता है, इसको आपने पूरा डेटा पास करना है सॉरी। और एक्स पे आप क्या रखना चाहते हो, जाहिर सी बात है एक्स पे मैं रखूँगा लेंथ को। अब आप सोच रहे होगे कि ये लेंथ कहाँ से आ गया, सो एक्चुअली मैंने डेटा दिया है तो ये डिटेक्ट करेगा खुद इंटरनली कि लेंथ एक कॉलम है, वो एक्स पे हमने रखना है। और जो है ना इसके अंदर आप यू भी रख सकते हो, यू एक्चुअली के जैसे कि वो प्लॉट अगर मैं दिखाऊँ, मैं इमोशन वाले कॉलम को ह्यू रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टैक, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं होते हैं वो, उसके लिए आप मल्टीपल को कॉल कर सकते हो। मल्टीपल एक इसके अंदर होता है पैरामीटर, और एक बिल्ट इन वैल्यू होता है स्टैक को। अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सो PLT.show करके इसको मैं रन करता हूँ, होपफुली यहाँ पर कोई एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक एरर आ गया, तो मैंने कौन सी गलती की देखते हैं। रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट मल्टीपल, ये तो बड़ा स्पेलिंग मिस्टेक मैंने किया है, दिट शुड बी मल्टीपल। ओके, मल MUL मल TIPLE, नाउ दिस टाइम इट शुड वर्क। ओके, सो ये जो ये पूरा का पूरा डेटा आ गया, लेकिन इस पूरे के पूरे डेटे से हमने जस्ट लेंथ वाला कॉलम यहाँ पे रखा, ये 0 से ले के 300 तक का आ रहा है, यानी मैक्सिमम लेंथ 300 है इस कॉलम में किसी भी एक सेंटेंस का। यूँ हमने इमोशन इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं
जो इमोशन है उसके कलर के बेस पे यहाँ पे देख सकूँ। इसलिए अगर मैं ह्यू को ना रखता तो ये सारा का सारा एक पहाड़ होता, कोई कलर नहीं होता, कोई आइडिया ना होता कि सैडनेस क्या है, एंगर क्या है। मल्टीपल स्टेक एक दूसरे के साथ चिपके चिपके, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब हम देखेंगे कि मेरे पास 6 इमोशन हैं। सैडनेस के लिए मैं वर्ड क्लाउड देखूंगा कि सैडनेस के लिए जितने भी सेंटेंसेस लोगों ने बोले हैं जहाँ पे सैडनेस इमोशन है वहाँ पे किस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए हैं। जैसे कि सैडनेस के केस में जो सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ हुआ है वो है फील, इसलिए ये बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। वन डे कांट ईयर नाउ, तो ये होता है। और पीपल को देखो, टिंग को देखो। इसी तरह मैं दूसरे इमोशन एंगर के लिए वर्ड क्लाउड देखूंगा, यहाँ पे भी फीलिंग का ज़्यादा यूज़ हुआ है। सो ये आपको एक जस्ट आपको बता देता है कि लोगों ने किस टाइप के वर्ड ज़्यादा यूज़ किए हैं। इसी तरह लव के लिए देखो, फील, यानी हर केस में फीलिंग फील बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और जाहिर सी बात है सरप्राइज़ के केस में वियर्ड का वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, सबको पता है, ठीक है। इम्प्रेस्ड का वर्ड ज़्यादा यूज़ हुआ है। और फियर के केस में आप देख लेना वल्नरेबल, रियली, जैसे कि फीलिंग के फियर के केस में रियली आई एम स्केयर्ड, इसी तरह, ठीक है, आई एम सॉरी बट इसी तरह होता है। फील यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। जोय के केस में जाहिर सी बात है लव, लव का वर्ड यूज़ हुआ है। नो इम्पोर्टेंट, फीलिंग, फीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। एंड या तो यही चीज़ें हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक्चुअली इस तरह के प्रोजेक्ट में ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखना जुगाड़ू टेक्निक, मेरे पास एक प्लॉट तो है नहीं, ठीक है, मेरे पास 6 इमोशंस है तो सबके लिए मुझे करना है। तो मैं एक कस्टम फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखता हूँ वर्ड्स क्लाउड। अब ये फंक्शन जो होगा इसके पास एक वर्ड क्लाउड आएगा। अब ये वर्ड क्लाउड है क्या इसको हम समझेंगे, और एक पूरा का पूरा डेटा आएगा, ठीक है। और इसको रखता हूँ मैं पास, अभी के लिए इसको मैंने किया है क्या पास, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो जो इमोशंस है वो निकलवाता हूँ। ट्रेंड डेटा के अंदर जाके जो इमोशन वाला कॉलम है उसके अंदर घुस के उनके वैल्यूज़ एक्चुअली यहाँ पे मैं निकलवाऊंगा, सॉरी नॉट वैल्यू, मैं यूनिक निकलवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं तो जो यूनिक होंगे एक्चुअली 6 ही होंगे और क्या होंगे। और इसको आप कह सकते हो इमोशंस लिस्ट। अगर मैं दिखाऊँ इमोशंस लिस्ट, तो ये देखो सैडनेस, एंगर, लव, सरप्राइज, फियर, जो ये मैंने निकलवा दिए। अब मैं एक लूप चलाऊंगा इस लिस्ट के ऊपर, सो फॉर इमोशन इन इमोशन लिस्ट, तो आप प्रिंट करो इमोशन को, तो ये वन बाय वन सैडनेस को उठाएगा, एंगर को उठाएगा, कभी लव को उठाएगा, इसी तरह। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत ट्रिकी है, इस कोड को समझो। ओके, अब देखना मैं यहाँ पे अगेन एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से पहले मैं इसको ज्वाइन करता हूँ एक स्ट्रिंग से। ये भी आपको मैं समझाऊंगा, अभी हर चीज़ मैं नहीं बता सकता बट मैं समझाऊंगा। इस लूप के अंदर मैं एक और लूप चला रहा हूँ वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। फॉर ये क्या करेगा, एक सेंटेंस उठाएगा, ठीक है, सेंटेंस किस से, और जो ट्रेंड डेटा के अंदर है, लेकिन ट्रेंड डेटा के अंदर मैं उन सेंटेंसेस को उठाऊंगा अगर फर्स्ट टाइम इस बायर वाले लूप ने सैडनेस उठाया है, तो ये जो इनर लूप होगा सिर्फ इस सैडनेस के लिए चलेगा। इसलिए यहाँ पे मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, इसको समझो प्लीज़, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन के थ्रू मैं अगेन ट्रेंड डेटा के अंदर घुस के उसका जो इमोशन वाला कॉलम है अगर वो इक्वल इक्वल है किस वाले इमोशन के, इस वाले इमोशन के, हुआ क्या, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये लूप जो फर्स्ट टाइम चलेगा ये सैडनेस को उठाएगा। अब इस इमोशन के पास सैडनेस है, इनर में एक और लूप चला रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस इमोशन के लिए तो हजारों लोगों ने वहाँ पे सेंटेंसेस बोलो है, ठीक है, टोटल 16,000 सेंटेंसेस थे आई थिंक, तो हो सकता है वहाँ पे 300 लोगों ने जस्ट सैडनेस के लिए सेंटेंसेस बोले हों, तो इनर का लूप 300 टाइम्स चलेगा। और हर बार वो क्या उठाएगा, किसको उठाएगा, यहाँ पे आपको देना पड़ता है, यहाँ पे नहीं, एक्चुअली आपको इसी के अंदर मैं इसका कॉमेंट उठाऊँगा के होगा क्या, देखना, अगर यहाँ पे इमोशन के पास सैडनेस है तो इनर लूप लेट से सैडनेस 300 टाइम्स आया है, और कितनी बार था, अगर मैं देखो सैडनेस 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 यहाँ पे
5000 बार आया है, तो इनर लूप 5000 बार चलेगा। लेकिन 5000 बार कहा गया, यहाँ पे 5000 बार सेंटेंसेस को उठाएगा और वो सेंटेंसेस कमेंट कॉलम के अंदर है। किसके बेस पे? इस इमोशन के बेस पे। लॉजिक ये ही कि ये लूप ट्रेन डेटा के लोकेशन के अंदर घुस के ट्रेन डेटा का इमोशन, उस इमोशन को निकलवाओ जो इस इमोशन के पास है, और वो हर बार जो सेंटेंस उठाएगा इस इमोशन के बेस पे उठाएगा और इस इमोशन के साथ चेक करके उस कमेंट से उठाएगा और वो इस सेंटेंस को देगा और ये सेंटेंस मैं रिटर्न करता हूँ। होपफुली आपको एक आइडिया हो गया। और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसको नाम देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं वर्ड क्लाउड बनाऊंगा। ठीक है, क्या बनाऊंगा? वर्ड क्लाउड। मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ ताकि मैं इसको एक नए सेल में आपको दिखा सकूँ। मैंने वर्ड क्लाउड लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया था कैपिटल W वाला वर्ड क्लाउड। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर है। मैं विड्थ रखता हूँ 600 inches। ठीक है, और इसकी हाइट पैरामीटर आप रख सकते हो, इसको भी 600 inches ही रखते हैं। उसके बाद इस पे के अंदर एक फंक्शन होता है जनरेट, आप इसको कॉल करते हो और इसको मैं पास करता हूँ टेक्स्ट। अब अगर इस टेक्स्ट, अभी के लिए मैं अपना कोई सेंटेंस बनाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। टेक्स्ट विल बी इक्वल टू आई एम फीलिंग ग्रेट। एक्चुअली यहाँ पे मुझे टेक्स्ट को पास करना चाहिए, यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको यूज़ करना होगा आई थिंक plt.imshow इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और भी बहुत सारे। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ वर्ड क्लाउड, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वर्ड क्लाउड, होपफुली इट शुड वर्क। ये देखो, सो इसने दिखा दिया फीलिंग एंड ग्रेट। ठीक है, फीलिंग एंड ग्रेट, यानी ये जो स्टॉपर्स हैं इनको ये हटा देगा। अगर मैं इसके अंदर एक और वर्ड ऐड करो, आई एम फीलिंग ग्रेट फ्रॉम सिंस मॉर्निंग, आई थिंक ये सिंस भी एक स्टॉप पड़े तो ये इसको भी हटाएगा, मॉर्निंग, यानी ये थ्री वर्ड्स फीलिंग ग्रेट मॉर्निंग को छोड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट लेट्स सी। ये देखो, ये तीनों वर्ड्स इसने छोड़ दी। इसी तरह वर्ड क्लाउड काम करता है। तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, और इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और इस सेल को भी यहाँ से हटाता हूँ, और वापस जाके इसी ही लूप के अंदर मैं यही चीज़ यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ठीक है, और आई थिंक मुझे इसको एक प्रॉपर नाम देना चाहिए, वर्ड क्लाउड। अब मैं ये जो वर्ड क्लाउड है इस फंक्शन को पास करूँगा। ये टेक्स्ट तो मैंने जस्ट यहाँ पे निकलवाया, ये टेक्स्ट एक्चुअली अब इसके पास आ गया, ये पूरा का पूरा कहानी जो हमने यहाँ पे किया। ठीक है, सो अब जो मेरा फंक्शन है उसको मैं बेचता हूँ, और उस फंक्शन का क्या नाम है, वर्ड्स क्लाउड। एक्चुअली आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, और ये दो चीज़ें लेता है, यही दो चीज़ें। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये दो चीज़ें इसको पास करता हूँ, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे df की जगह मुझे पास करना चाहिए इमोशन। ठीक है, ये मैं अब आगे बताऊँगा। सो ये फंक्शन लेगा एक वर्ड क्लाउड और एक इमोशन। ये पूरा का पूरा वर्ड क्लाउड इस लूप के चलने पे, इसके पास सैडनेस है, ये 5000 सेंटेंसेस उठाएगा और उनको उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं उनका वर्ड क्लाउड बनाएगा, वो वर्ड क्लाउड, और वही सेम इमोशन जाएगा इस फंक्शन के पास पहली बार। सेकंड बार एंगर होगा और फिर ये लूप चलेगा, उसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस है वो उठाएगा और उसका एक वर्ड क्लाउड बनाएगा, और वर्ड क्लाउड भी जाएगा और वो इमोशन यानी एंगर भी यहाँ पे आएगा। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो 6 इमोशन है, 6 बार ये फंक्शन कॉल होगा, ये लूप चलेगा 6 टाइम्स, ये लूप उतनी बार चलेगा जितने इमोशन के कॉमेंट्स यानी सेंटेंसेस आ रहे हैं। तो plt इज़ द बढ़िया लाइब्रेरी। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है फिगर, और फिगर के अंदर मैं फिग साइज रखूँगा 10x10 inches। ठीक है, जैसे कि आप एक छोटा सा हमने बनाया लेकिन हमें बड़ा चाहिए 10x10 inches। और उसके बाद एक टाइटल भी देते हैं plt.title। टाइटल में एक्चुअली जो df है इसके साथ कंकेटिनेट करता हूँ,
थोड़ा सा स्पेस देके वर्ड क्लाउड, क्योंकि एक्चुअली इसको भी आप इमोशन कह सकते हो, ये इमोशन होगा, डीएफ नहीं होगा, ठीक है। और होगा क्या कि इस प्लॉट के ऊपर सबसे पहले जो टाइटल आएगा उसके आगे लिखा होगा, पहली बार ये आएगा सैडनेस, और सैडनेस के आगे लिखा होगा वर्ड क्लाउड। अब मैं वही SAMPLT डॉट आई एम शो किसको, इस वाले बंदे को, और इस वाले बंदे को यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड क्लाउड, और इसके एक्सेस बनते हैं तो मैं उन एक्सेस को ऑफ करता हूँ। PLT डॉट इसका एक फंक्शन होता है एक्सेस आई थिंक, और उसको आप लिखते हो ऑफ। चले मैं इसको रन करता हूँ, होपफुली मैंने कोई एरर ना किया हो, बट देखते हैं अगर हो तो फिर हम इसको ठीक कर देंगे। हाँ मुझे पता था कोई ना कोई गड़बड़ तो की होगी। डी एफ इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे डी एफ इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ ये एक्चुअली इमोशन है। कंट्रोल सी लाइक दिस, अभी थोड़ा सा टाइम, ओके 1 मिनट, मैंने PLT का स्पेलिंग गलत लिखा है, ये होना चाहिए PLT। सब बढ़िया है इस बार, ये टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ आ गया, तो ये देखो अब अगर मैं दिखाऊँ तो ये सैडनेस किसके पास था, मैं हल्का सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ये इमोशन, इमोशन के साथ मैंने जोड़ दिया वर्ड क्लाउड, तो ये ऊपर आ रहा है। उसके बाद वो पूरा का पूरा वर्ड क्लाउड में सैडनेस के लिए फील कर रहा हो या पे, यानी प्लॉट कर रहा है एक्चुअली। और उसके बाद दोबारा फंक्शन जब कॉल होगा तो एंगर होगा, फिर कॉल होगा लव, और इसी तरह, ठीक है। सो या लेट्स डू सम प्री प्रोसेसिंग। अच्छा प्री प्रोसेसिंग हम क्यों कर रहे हैं, अगर मैं देखा जब पे ट्रेंड डेटा तो यू कैन सी मेरे पास एक कमेंट है, इनपुट मेरा ये यूज़र इनपुट देगा और प्रेडिक्ट करेगा इमोशन, ये मेरा आउटपुट कॉलम है, इसका कोई काम नहीं है। तो मैं अब इस डेटा का एक कॉपी बनाता हूँ, क्योंकि इस डेटा को मैंने डीप लर्निंग में यूज़ करना है आगे। अभी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं मशीन लर्निंग, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ इसी ही डेटा के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इनकोड दिस इमोशन। अब ये सैडनेस, सैडनेस एंगर ये मशीन थोड़ी समझेगा, इसको हम देंगे नंबर। सो उसके लिए हमारे पास है लेबल इनकोडर, हमने इंपोर्ट किया है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ LB, कोई भी आप नाम दे सकते हो लाइक दिस, ओके। और फिर LB डॉट फिर ट्रांसफॉर्म करता हूँ ट्रेंड डेटा के अंदर जाके जो इमोशन वाला कॉलम है वही, और पलट के इसको इमोशन में स्टोर करता हूँ। या हम ऐसा करते हैं एक और कॉलम बनाते हैं इमोशन इनकोडेड, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। और अब देखना इसको मैं रन करके यहाँ पे, अब अगर मैं ट्रेंड डेटा दिखाऊँ तो ये देख, तो भैया सैडनेस को इसने दिया 4 नंबर, सैडनेस को भी दिया 4 नंबर, एंगर को 0। तो जहाँ जहाँ पे एंगर होगा वहाँ वहाँ पे 0 होगा, जहाँ जहाँ पे सैडनेस होगा वहाँ वहाँ पे 4 होगा। अब ये हमारा आउटपुट कॉलम है यानी लेबल है, अब मशीन इस नंबर को पहचान सकता है, मशीन सैडनेस को समझेगा, एक्सेप्ट करेगा एज अ 4, ओके। ऑल राइट, ये करने के बाद अब हम अप्लाई करते हैं मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग से पहले हम अप्लाई करते हैं मशीन लर्निंग। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमने डेटा को क्या करना है, अब इसको पहले समझो, ये इंपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी किया है। साइकिट लर्न के मॉडल सेलेक्शन से मैंने इंपोर्ट किया है ट्रेंड टेस्ट प्लेट, क्योंकि मैंने इस डेटा को ट्रेंड टेस्ट प्लेट में डिवाइड करना है, ठीक है। ये आप सबको पता है, अगर आपने मेरे मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें इंपोर्ट की हैं, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। scikit-learn के फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से मैंने TF-ID वेक्टराइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम यहाँ पे समझेंगे बड़े डिटेल के साथ। उसके बाद मैंने जो पहला एल्गोरिदम है वो नेव बेस से मल्टी नॉमियल NB यानी नेव बेस इंपोर्ट किया है, जो टेक्स्ट के लिए मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो इस डाटा पे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन मल्टीपल क्योंकि हमारे पास 2 तो नहीं है,
यस टू तो नहीं है, इमोशन हमारे पास 6 है, यानी ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन है। तो लॉजिस्टिक इज बढ़िया, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, आप और भी देख सकते हो, डिसीजन ट्री अगर आप यूज़ करना चाहते हो वो भी कर लो। अब एक्यूरेसी एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मैंने इंपोर्ट किए हैं क्योंकि मैंने इन तमाम मॉडल्स के रिजल्ट्स को भी देखने हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, जो ट्रेंड डेटा था उसका एक कॉपी बना लिया, क्योंकि इस ट्रेंड डेटा को मैं नहीं चाहता कि आगे मज़ीद ख़राब करूँ, क्योंकि इसको मैंने डीप लर्निंग में यूज़ करना है। तो ये है अपना वही डेटा, कॉमेंट, इमोशन, अब इस कॉलम का तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये जो कॉलम है अब ये हमारे काम का है। अब ये जो कॉमेंट है, ये टेक्स्ट जब आप मशीन को देगे, मॉडल इसे ट्रेन करोगे, तो ये आपको एरर देगा। मॉडल आपसे कहेगा कि ये टेक्स्ट मेरे पल्ले नहीं पड़ता, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करो। लेकिन नंबर्स में ऐसे कन्वर्ट करो कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैसे कि इस सेंटेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है ह्यूमिलेटेड, इसको हाई रैंक मिले। तो उसके लिए जो TFID वेक्टराइजर है वो बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा आपके पास बेग ऑफ वर्ड्स है, काउंट वेक्टराइजर है, और भी बहुत सारे हैं, बट हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यही है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे किसको, इस इंटायर कॉलम के हर सेंटेंस को। अब इस डेटा में आई जो है ना, ये हमारे काम का नहीं है, ये 3 वर्ड काम के हैं, क्योंकि आई एक स्टॉपर्ड है, तो हम इसको रिमूव करेंगे। कैन काम का नहीं है, आई स्टॉपर्ड है, फ्रॉम स्टॉपर्ड है, टू स्टॉपर्ड है, सो स्टॉपर्ड है, इसी तरह के वर्ड जो है ना, ये खाम खा हमारी वैकेबलरी को, डॉक्यूमेंट्स को, लेंथ को बढ़ाएगा, तो हम इनको हटाएंगे, ये भी हमारे काम के नहीं है। तो इसी के लिए हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, और इसमें हम लोअर केस भी करेंगे जो कुछ स्टेप है, तो मैं जल्दी जल्दी से वो भी कर लेता हूँ। सो आई थिंक मैंने NLT के इम्पोर्ट किया था, और मैं क्या करता हूँ, स्टॉप वर्ड्स के नाम से अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, NLT के लाइब्रेरी के अंदर जाके उसके एक फंक्शन होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, कॉर्पस के अंदर आपको जाके स्टॉपर्स को कॉल करता है, और वो भी इंग्लिश वाले, क्योंकि NLT के बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो ये है ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलेबन NLTK.corpus, आई थिंक यहाँ पे आपको वर्ड्स कॉल करने होंगे। तो ये स्टॉपर्स है, आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, आर, तो ये काम के नहीं हैं। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ दिखाऊं, देखते हैं कि इसका लेंथ कितना है, तो 180 लगभग। लेकिन अगर मैं इस पे सेट फंक्शन लगाऊं और फिर मैं लेंथ लगाऊं और इसको देखो, तो यही तो सेम है। तो सेट एक्चुअली डुप्लीकेट को रिमूव करता है, नथिंग एल्स। और एक फ़ायदा ये है कि इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है। अब ये मेरा एक वेरिएबल हो गया, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इसको अब एक फंक्शन में यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, def.clean टेक्स्ट के नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा, और इसके पास एक टेक्स्ट आएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पोर्टर स्टैमर जो मैंने इंपोर्ट किया था। अच्छा, ये पोर्टर स्टैमर क्या करता है, मैं ये समझा देता हूँ। हमारे पास एक सेंटेंस है, इसी हिस्से में एक उठाता हूँ, लेट्स से आई एम फीलिंग ग्रेट बिकॉज आई एम लविंग वेदर, कुछ भी मैंने लिखा। अब इस सेंटेंस में ये जो फीलिंग है और लविंग है, ये इसकी फोर्थ फॉर्म है ING वाला। तो ये सेंटेंस किस तरह बनेगा, जब प्री प्रोसेसिंग करेगा आप इस पे, ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई एम फील, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म बनाएगा, आई एम फील ग्रेट बिकॉज आई एम लव वेदर, ठीक है। ये फिर जो आगे मॉडल प्रेडिक्शन में आप किसी इसी तरह के सेंटेंस देते हो, तो वो अच्छे तरीके से इसको पहचानेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसी तरह इसके और केस भी हो सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, एक और होता है इंटेलिजेंट, और एक और होता है इंटेलिजेंटली। अब अगर ये वर्ड आया है तो वो इसको ये बनाएगा, अगर ये वर्ड आया है तो भी इसको ये बनाएगा, क्योंकि ये इसकी बेस फॉर्म है, यानी एक्चुअली हर वर्ड को बेस फॉर्म में ले आएगा, ठीक है, सबका एक ही मतलब है। तो इसलिए हम पोर्टर स्टैमर यूज़ करते हैं। लेकिन पोर्टर स्टैमर इंप्लीमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो इस फंक्शन के पास टेक्स्ट आ रहा है ना, उसको रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी के अंदर जाके
सबसे पहले तो इसमें हम जस्ट टेक्स्ट को छोड़ेंगे, मे बी किसी ने डिजिट भी यूज़ किया हो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मुझे इस तरह नेगेशन यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नेगेशन आपको कहाँ पे मिलता है, आई थिंक नेगेशन 6 के ऊपर है, ठीक है, कि ए से लेकर जेड तक और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक अगर कुछ आए, यानी अगर कैरेक्टर आए, यानी अगर वर्ड आए, तो उनको छोड़ो, बाकी जो भी आए, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस हैश लाइक दिस, या कोई डिजिट है, तो इन सब को हटाओ, ज़रूरत नहीं है। किस से रिप्लेस करो, एक्सपेस से रिप्लेस करो, और वो किसके पास है, टेक्स्ट के पास है, और ये टेक्स्ट कहाँ किसके पास है, इसके पास है, तो ये अपना टेक्स्ट हो गया। अभी के लिए अगर मैं जस्ट इसको रिटर्न कर दूँ, इस वाले टेक्स्ट को, और या इस फंक्शन को अगर मैं कॉल कर दूँ, इसको मैं अपनी तरफ से एक सेंटेंस पास करता हूँ, आई एम दिस नंबर, दिस नंबर लव, देखो ये सब हट गया, कोई रह गया, लेकिन जस्ट जो टेक्स्ट था वो रह गया। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, लोअर करते हैं, जैसे कि आई कैपिटल है, हम नहीं चाहते कि ये कैपिटल रहे, तो अब जो ये क्लीन टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट, इस पर हम कॉल करते हैं पाइथन का जो लोअर फंक्शन है वो, और उसके बाद एक और स्टेप करते हैं स्प्लिट। ये स्प्लिट क्या करेगा कि वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट करेगा, जैसे कि ये देखो, आई को लोअर भी किया इस वाले लाइन में, फिर इस वाले लाइन में तमाम सेंटेंस को कॉमा से स्प्लिट किया, तभी तो हम इसको नंबर दे पाएगी। ओके, बढ़िया। आखिरी काम करते हैं कि जैसे कि ये लविंग है, हैटिंग है, या हैटेड है, या लव्ड है, ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म ये यूज़ किए हैं, ये इसको मैं बेस फॉर्म में ले आऊँगा, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट विल बी इक्वल टू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके एक लूप चलाऊंगा जो हर बार वर्ड उठाएगा किससे, टेक्स्ट से, और साथ में चेक भी करूंगा इफ़ जो भी वर्ड आ रहा है वो नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, क्योंकि अब इस सेंटेंस में इस टेक्स्ट के पास ये पूरा का पूरा क्लीन सेंटेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, ये लूप क्या करेगा, इस पूरे सेंटेंस से पहले आई को उठाएगा और देखेगा आई स्टॉप पर जाए तो इसको हटा देगा, छोड़ देगा, इग्नोर मारेगा, आई मोटाएगा उसको भी इग्नोर मारेगा, ये तो वैसे रिमूव है, लविंग है, ये स्टॉपर्स नहीं है, तो ये किसके पास आएगा, वर्ड के पास आएगा, ठीक है, और इस वर्ड को मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। अब ये जो वर्ड है ना, ये लविंग, इसको मैं क्या करता हूँ, स्टैमर से बेस फॉर्म में ले आता हूँ, तो स्टैमर के अंदर जाके एक फंक्शन होता है स्टैम, इसको पास करता हूँ वर्ड, बस इतना सा काम हमने करना था, और यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, क्या किया है, स्टैम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट वर्ड, तो मैंने वर्ड तो दिया है, आई थिंक स्टैमर डॉट स्टैम, जस्ट आई डोंट नो ये एरर क्यों मिला मुझे, स्टैमर डॉट स्टैम, ओके लेट मी चेक, अच्छा मैंने गलती क्या किया है पता है, गलती ये जो स्टैमर का ऑब्जेक्ट बनाया मुझे ये चीज़ पास करनी चाहिए, ये देखो लव हो गया, बाकी स्टॉपर तो रिमूव हो गए, ये स्पेशल कैरेक्टर डिजिट, लेकिन लविंग हो गया लव, हैटिंग हो गया हैट, हैटेड हो गया हैट, लव हो गया लव, ठीक है, तो ये काम एक्चुअली हमने करना था और ये इस लाइन ने किया, लेकिन मैं इसको एक स्ट्रिंग से जोड़ता हूँ, ये एक लिस्ट है, आप देख सकते हो ये एक लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्ट्रिंग से रिटर्न करूँ, किसको, इस टेक्स्ट को, अब अगर आप देखो तो लव हेड जो है ना अब एक स्ट्रिंग बन गया। अब इसको मैं पास करता हूँ अपना जो फंक्शन है, सॉरी डेटा के अंदर ट्रेन डेटा है, उसके अंदर जो कमेंट कॉलम है वो, ठीक है, सो अब क्या करता हूँ, इसके बाहर जाके इस पर अप्लाई करता हूँ इस वाले फंक्शन को, ठीक है, क्लीन टेक्स्ट, और पलट के जो भी आएगा इसको मैं स्टोर करता हूँ, एक्चुअली मुझे मैंने डेटा को कॉपी किया था तो मैं डी एफ यहाँ पर यूज़ करूँगा, मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ क्लीन क्लीन कमेंट,
ठीक है, आपसी में भी कर सकता हूँ बट इट बी परफेक्ट। सो होगा क्या, टोटल हमारे पास है 16,000 कमेंट, तो ये लूप सॉरी ये फंक्शन 16,000 बार कॉल होगा और हर बार ये सारा ऑपरेशन होगा। चले इसको देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा तो हम वेट करते हैं। ओके ये हो गया। सो मैं क्या करता हूँ, एक सेल ऐड करता हूँ यहाँ पे और सो जस्ट लेट मी चेक। ओके अगर मैं DF दिखाऊं तो ये अपना DF है और अब इसमें जो इमोशन इनकोडेड है वो तो आ गया और जो क्लीन कमेंट है वो भी आ गया, जैसे कि आई डिडेंट फील ह्यूमिलेटेड, तो यहाँ पे वो जो आई था वो एक स्टॉप पर था वो हट गया। ठीक है, सो वी आर रेडी। अब हम इस वाले जो क्लीन कमेंट है इसको नंबर में भी कन्वर्ट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको हाई रैंक देगी यूजिंग TFID वेक्टराइजर। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारता हूँ। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट आप कैसे मारते हो, सबको पता है एक्स ट्रेंड एक्स टेस्ट वाई ट्रेंड वाई टेस्ट और फिर मैं जो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन है, आई थिंक मैंने वो सेल रन नहीं किया, मुझे इस सेल को रन करना चाहिए, आप ये मैंने इम्पोर्ट किया है। सो मैं एक बार इसको रन करता हूँ और नीचे जाके यहाँ पे इसको पास करके ओके। सो DF के अंदर जाके जो क्लीन कमेंट है वो डेटा आएगा एक्सट्रन एक्स टेस्ट में और जो आउटपुट कॉलम है वो वाइट्रन वाई टेस्ट में आएगा और वो DF के इमोशन इनकोडेड के पास है। ठीक है, या और उसके बाद टेस्ट स्प्लिट रखता हूँ साइज एक्चुअली 0.2, यानी मैं 100% डेटा में से 80% डेटा क्लीन कमेंट से इनपुट एक्सट्रन को देना चाहता हूँ और 20% डेटा एक्स टेस्ट को देना चाहता हूँ और इसी ही कॉलम से, और आउटपुट कॉलम से 80% डेटा वाई ट्रन को एंड 20% डेटा वाई टेस्ट को देना चाहता हूँ, तभी यहाँ पे मैंने टेस्ट साइज 0.2 रखा। और उसके बाद रैंडम स्टेट आप कुछ भी रखो जस्ट आउटपुट को देखने के लिए, मैं 42 नॉर्मली रखता हूँ। तो ये हो गया अपना ट्रेंड टेस्ट प्लेट। ठीक है, अगर मैं एक्सट्रन दिखाओ तो ये अपना एक्सट्रन हो गया, अब इनकी शेप चेक कर लेना। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इम्प्लीमेंट करता हूँ TFID वेक्टराइजर। ठीक है, सो हमने इम्पोर्ट किया था TFID वेक्टराइजर। ठीक है, इसकी मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसको मैं कहता हूँ TFIDF, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है थोड़ी देर बाद। इसको मैं कहता हूँ वेक्टराइजर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा TFIDF वेक्टराइजर और इस TFIDF वेक्टराइजर के अंदर जाके फिट ट्रांसफॉर्म करके किसको, और अपने एक्सट्रन को, ये मेरा इनपुट है और यही सेम काम में इसको मैं एक्चुअली एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ एक्सट्रन TFIDF। ठीक है, ये अब मेरा इनपुट हो गया एंड एक्स टेस्ट TFIDF will be equal to TFIDF वेक्टराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि एक्स टेस्ट भी तो एक इनपुट है इसको भी। ऑल राइट, सो होगा क्या, होगा ये कि हमारे पास जो एक्सट्रन एक्चुअली जो क्लीन कमेंट है एक्सट्रन एक्स टेस्ट के पास, उसको हमने नंबर में भी कन्वर्ट किया और उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो भी निकलवा दिए, लेकिन ये हुआ कैसे। मैं इसको अगर रन कर दूँ, ये मैंने रन किया, उसके बाद ये भी मैंने रन किया। ठीक है, अब हम मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन मॉडल इम्प्लीमेंट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज़ TFIDF वेक्टराइजर, एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ए वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इज़ नथिंग बट अ सेंटेंस, हमारे 16,000 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस उठाओ उसमें किसी वर्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो बताता है TFIDF वेक्टराइजेशन। व्हाट इज़ TFIDF, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स, टी स्टैंड फॉर टर्म, एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, आई स्टैंड फॉर इनवर्स, टी स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट, एफ स्टैंड फॉर टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, अब मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं, दो डॉक्यूमेंट है, जस्ट एग्जांपल को समझने के लिए। टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज नेसेसरी,
दूसरा सेंटेंस से इसको आप डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो, टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट। अब इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स है, 1, 2, 3, 4। इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, इसको समझो। सो सबसे पहले बात करते हैं टीएफ की, टर्म फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्ड अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट। कि एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड कितनी बार आया है, इसमें इस पूरे सेंटेंस में टेक्स्ट कितनी बार आया है, एक बार आया है, प्रोसेसिंग भी एक बार, इज भी एक बार, नेसेसरी भी एक बार, ठीक है। इस पूरे डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वर्ड अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में ना कि सब में, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, उसको आप डिवाइड करते हो जो टोटल नंबर है। टेक्स्ट को पहले आप डिवाइड करते हो इन टोटल नंबर से, टेक्स्ट एक बार है तो एक को आप डिवाइड करते हो कितने बार, किस किस के साथ, 1, 2, 3, 4 के साथ। सो टेक्स्ट डिवाइड बाय 4, उसके बाद प्री प्रोसेसर को डिवाइड करते हो 4 से, उसके बाद इसको डिवाइड करते हो 4 से, नेसेसरी को डिवाइड करते हो 4 से, सेम थिंग गोज विद दिस वन। और इसका जो फार्मूला है वो ये है, नंबर, नंबर इज नथिंग बट किसी एक वर्ड का एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार फ्रीक्वेंसी या काउंट है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ दैट सेंटेंस, ठीक है। वट इज IDF, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है, ये लॉग लेता है टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसको आसान बनाता हूँ आगे आगे वाले स्लाइड में, अभी के लिए जिस फार्मूले को समझो, आगे मैं एग्जाम्पल्स की मदद से समझाऊंगा। लॉग ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डिवाइड बाई द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द वर्ड डॉक्यूमेंट। आप सेंटेंस को समझो, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस बार किसी एक किसी वर्ड की एक डॉक्यूमेंट में नंबर की बात नहीं हो रही है, टोटल डॉक्यूमेंट, टोटल यानी सेंटेंसेस, टोटल सेंटेंसेस, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक सेंटेंस में एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब अगर ये सेंटेंस तीसरी बार भी आया है तो ये उसकी टोटल नंबर है, यानी दो बार आया तो ये उसकी टोटल नंबर है। अब उसको डिवाइड करते हो टोटल से, सो टोटल दो सेंटेंसेज है, आप इस वाले सेंटेंस को डिवाइड करते हो टू से, सो वन सेंटेंस डिवाइड बाय टू सेंटेंसेज, यानी टोटल टाइम्स ऑफ ए सेंटेंस डिवाइड बाय टोटल सेंटेंसेज, इसी तरह भी आप समझ सकते हो। इसका जो फार्मूला है वो ये है, n इज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डिवाइड बाय दिस टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, ओके, और उसका आप लॉग लेते हो। बहुत मुश्किल है, अभी के लिए इसको जस्ट समझो। और फाइनली आप इस पूरे को क्या कहते हो, TFIDF इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाई द टर्म फ्रीक्वेंसी, यानी अब क्या करते हो, ये जो रिजल्ट आपने निकाला है इसको मल्टीप्लाई करते हो इस वाले रिजल्ट के साथ, सो TF इनटू दिस वन, ठीक है। ये हमने TF निकाला था और ये हमारा लॉग ऑफ एन बाई DF, इसको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, यूनिक वर्ड निकालते हो, टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज नेसेसरी, टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इज कितनी बार आया है, दो बार, नेसेसरी कितनी बार आया है, दो बार, प्रोसेसिंग भी दो बार आया, टेक्स्ट भी दो बार आया, लेकिन एंड एंड इंपॉर्टेंट वन बार आया है। सो टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट, यूनिक मैंने निकलवा दिया। पहला जो डॉक्यूमेंट है, यानी पहले सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट वर्ड टेक्स्ट की बात करते हैं, कितनी बार आया है पहले सेंटेंस में टेक्स्ट, वन बार, टोटल नंबर कितने हैं, 4, सो 1 डिवाइड बाय 4। इसी तरह दूसरा वर्ड है प्रोसेसिंग, 1 डिवाइड बाय 4, इज बी है 1 डिवाइड बाय 4, नेसेसरी 1 डिवाइड बाय 4, लेकिन पहले सेंटेंस में एंड एंड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 0 डिवाइड बाय 4 एंड 0 डिवाइड बाय 4। दूसरे डॉक्यूमेंट में आप सब देख सकते हो 1 है, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में एंड एंड इंपॉर्टेंट भी है। ये हो गया TF। IDF क्या करता था, मैंने आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेज और डॉक्यूमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो दो सेंटेंसेज हैं तो 2 डिवाइड बाय 2, दो सेंटेंसेज डिवाइड बाय दो सेंटेंसेज। अब देखना, टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट, ये एक्चुअली एक सेंटेंस है, लेकिन हमने दो सेंटेंसेस से उठाए हैं, तो 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 1 क्यों आ गया, इस चीज़ को समझो, यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 क्यों आ गया, क्योंकि ये जो 2 है ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो एंड एंड इंपॉर्टेंट है, ये दो वर्ड आखिरी वाले डॉक्यूमेंट में आए हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट में नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पे 1 है, तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा स्कोर मिले हैं। ये बाकी जब आप डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा, सो यू कैन सी। अब मैं इसको आसान बना देता हूँ, ये बहुत ही मुश्किल था।
टर्म फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने कहा कि ये बताता है टर्म फ्रीक्वेंसी मेजर हाउ फ्रिक्वेंटली अ वर्ड अपियर्स इन अ डॉक्यूमेंट, कि एक सेंटेंस में एक वर्ड कितनी बार आ रहा है। एक सेंटेंस है द कैट इन द हेट इज अ ब्लैक कैट, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। तो वो फॉर्मूला है टी एफ विल बी इक्वल टू, अब सबसे पहले हम कैट की बात कर रहे हैं, अभी के लिए मैं जस्ट कैट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे द इन द ये स्टॉप पर जाइए तो हट जाएंगे, ठीक है, हैट भी होगा, ब्लैक भी होगा, कैट भी होगा, लेकिन मैंने जस्ट कैट को उठाया। सो नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्ड, वर्ड मैंने कैट उठाया, अपियर इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इन दिस एंटायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट। सो कैट कितनी बार आया है, कैट एक बार, दो बार, दो डिवाइड बाई नाइन, नाइन क्या है, नाइन टोटल वर्ड्स हैं, सो टू डिवाइड बाई नाइन, सिंपल। ओके, वट इज इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, सेम एग्जाम्पल है लेकिन इस बार इसको समझो। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मेजर द इंपॉर्टेंस ऑफ ए टर्म अक्रॉस अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक वर्ड की इंपॉर्टेंस को तमाम सेंटेंसेज में खोजता है। पहले तो हम एक सेंटेंस के अंदर खोज रहा था वर्ड, हो सकता है ये कैट आगे सेंटेंसेज में आया हो, तो हम मैंने क्या किया है, कंसिडर किया है कि 1000 सेंटेंसेज है हमारे केस में, 16000 है, और उसमें जो कैट वर्ड है वो 100 बार आया है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टोटल है 1000 डॉक्यूमेंट्स, ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग कैट, या सही है, सो 100, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, डजेंट मैटर। सो 100 कैट आ गया, टोटल डॉक्यूमेंट्स है 1000, और इसके साथ हम 1 जोड़ते हैं, और इसका हमने लॉग लिया, तो जो भी रिजल्ट हमारे पास आया वो ये हो गया, टू। तो मतलब इसका मतलब है कि सब में जो कैट है वो 2 बार आया हुआ है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, उसके बाद इसका रिजल्ट आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, यानी मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जब लॉग लिया तो आपके पास वो आ गया, और उसके मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आपके पास 0.44 आ गया। सो इस पूरे 1000 सेंटेंसेस में जो 100 बार कैट आया है उसको जो इंपॉर्टेंस मिला वो है 0.44। अब ये वर्ड आगे मॉडल रिप्रेजेंट करेगा, मॉडल इसको समझेगा, ओके। सो मैं इसको एंड शो करता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम वापस आते हैं। अब हम मशीन लर्निंग के जो टॉप 5 मॉडल्स है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैंने बताया था मेरे पास ये मॉडल्स हैं, सो मैं अलग अलग तो कर नहीं सकता, सो मैं जुगाड़ू टेक्निक यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ क्लासीफायर के नाम से, या क्लासीफायर्स, उसके बाद एक डिक्शनरी बनाता हूँ। डिक्शनरी में एक की होता है, एक वैल्यू होता है। सो मेरा की पहले मैं रखता हूँ मल्टी नॉमियल नेव बेज, ठीक है, और उसका वैल्यू होगा दिस मल्टी नॉमियल, जो अल्गोरिथम है एक्चुअली वही। उसके बाद मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और उसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। सपोर्ट वेक्टर, आई थिंक मशीन होता है, और ये हो गया सपोर्ट SVM, SVC सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, ठीक है। सो अब मेरे पास 4 मॉडल्स हैं, मैं सबको एक साथ ट्रेन करूँगा, इसलिए मैंने डिक्शनरी बनाया ताकि मैं एक लूप चला सकूँ। मैं कैसा लूप चलाऊँगा, जो हर बार इस नेम को उठाएगा और उसका जो मॉडल है वो उठाएगा। सो फॉर नेम को उठाओ और क्लासीफायर को उठाओ, किस से, इस क्लासीफायर वाले डिक्शनरी के अंदर जाके उसके आइटम्स को उठा के और उसको प्रिंट कर दो, ये अपना नेम, ये CLF, देखते हैं, ये देखो वो पूरा का पूरा नाम और उसके आगे जो हमने बनाया था। और हर बार अब क्या होगा, मैं मॉडल को ट्रेन करूँगा CLF.fit, और उसको पास करता हूँ, या इसे पहले आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लगाता हूँ ताकि हम चीज़ों को समझ सके। सो सिलेक्शन, और मैं कुछ इस तरह, और उसके बाद मॉडल का जो स्ट्रिंग में लगाता हूँ लाइक दिस। तो ये सबसे पहले मॉडल का नाम, उसके बाद वो मॉडल ट्रेनिंग।
तो ट्रेन करते वक्त मॉडल दो चीज़ें आपसे लेता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट है मेरा एक्सट्रन, एक्सट्रन टी एफ आई डी एफ, और इसको आप आउटपुट भी देते हो, यानी 80% डाटा से आप ट्रेन करने वाले हो मॉडल को। और उसके बाद में वाई प्रेड, और इसको आप क्या नाम दे सकते हो, टी एफ आई डी एफ, यानी अब मैं सी एल एफ से प्रेडिक्ट करने वाला हूँ टेस्ट पे, और वो टेस्ट है एक्स टेस्ट आई डी एफ। ठीक है, सो मॉडल ट्रेन होगा, उसके बाद प्रेडिक्ट करेगा, वो इसके अंदर स्टोर होगा। अब मैं इसकी एक्यूरेसी देखूँगा, देखता हूँ। सो आप क्या कर सकते हो, एक्यूरेसी स्कोर के अंदर जाके मैंने ये इंपोर्ट किए हैं, जो मॉडल ने नहीं देखा है 20% डेटा, और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है एक्चुअली हम उसी का कंपैरिजन करने वाले हैं, यानी वाई टेस्ट आउटपुट और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है दिस वन, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, एक्यूरेसी टी एफ आई डी एफ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सो सिलेक्शन एक्यूरेसी यूजिंग टी एफ, दिस आर सम ऑप्शनल नेम टी एफ आई डी एफ, और यहाँ पे भी मुझे स्ट्रिंग का यूज़ करना होगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्चुअली, और मैं प्रिंट करूँगा एक्यूरेसी टी एफ आई डी एफ को, एक्यूरेसी टी एफ आई डी एफ, या ओके। उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, सो प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लाइक दिस, और उसके बाद प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और इसको भी ये सेम दो चीज़ें पास कर दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको कट करो, ये एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ से हटाओ, और यहाँ पे इसी को डाल दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में भी ये दो चीज़ें डालता हूँ। अब मैं समझा देता हूँ। सो होगा क्या, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम ये लूप उठाएगा मल्टी नोबियल को, उसका नाम और उसका मॉडल, नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर ये मॉडल ट्रेन होगा और ये प्रेडिक्ट करेगा, और इसका जो एक्यूरेसी होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर जितना भी होगा वो प्रिंट होगा, और उसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जिसमें एफ वन स्कोर, वो सारे की सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, और सेकंड टाइम ये दूसरे मॉडल के लिए चलेगा, जस्ट गिव मी सेकंड, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए चलेगा, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक्यूरेसी ये सारी चीज़ें होगी। सो मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है क्या। सो मल्टी नोबियल ने 65 यहाँ पे दिया एक्यूरेसी, और ये इसका प्रेसिजन है, सॉरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये एक्चुअली हमारे पास जो लेबल है उनका, या जीरो लेबल पे एंगर था, आई थिंक एंगर के लिए प्रेसिजन 0.95 है, रिकॉल दिस। मैं चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि आगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमने डीप लर्निंग का कोड भी इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन का 82, ये काफ़ी अच्छा है, इसका स्कोर बढ़िया है। और फिर रैंडम फॉरेस्ट अभी तक नहीं आया है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मैं वीडियो को पॉज करके, सो रैंडम फॉरेस्ट का 85 है जो कि सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद सपोर्ट वेक्टर का 81 है। तो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखता हूँ, तो उसके लिए मुझे सेपरेटली ये करना होगा क्योंकि मैंने इसको आगे यूज़ करना है। सो एल जी विल बी इक्वल टू दिस, मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एल जी डॉट फिट। अब आगे सारा सारा का सारा काम मैंने दोबारा करना होगा, एक्सट्रन डॉट टी लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद वाई प्रेड ऑफ एल जी विल बी इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट ऑन एक्स टेस्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ओके परफेक्ट। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी यहाँ पे अपना ट्रेन हो गया। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ प्रेडिक्शन सिस्टम। सो प्रेडिक्शन सिस्टम के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम होगा प्रेडिक्ट,
इमोशन, और इसके पास एक यूजर का इनपुट टेक्स्ट आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने क्लीन करना होगा, क्योंकि मेरा मॉडल क्लीन टेक्स्ट पे ट्रेन हुआ है और वो हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है क्लीन टेक्स्ट। ठीक है, जस्ट इसको पास करो क्लीन यूजर का जो इनपुट टेक्स्ट है दिस वन। ठीक है, और पलट के हमें आएगा क्लीन्ड टेक्स्ट, यानी जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके पास यूजर का इनपुट आएगा। ये इनपुट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिस तरह हमने वेबसाइट में वेबसाइट में दिया। तो अब इसको हमने क्लीन करना होगा, यानी यहाँ से स्टॉप और वो सारी चीज़ें पलट के हमें क्लीन टेक्स्ट मिल गया। और अब हम इस पे यूज़ करेंगे TF IDF वेक्टराइजर, वो ऑलरेडी हमारे पास है। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है क्योंकि मेरे मॉडल भी ऐसे टेक्स्ट पे ट्रन हुआ है जिसको हमने TF IDF वेक्टराइजर किया, यानी वेक्टर्स एक्चुअली हमने बनाए हैं। तो वो क्या करेगा, अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, किसको, क्लीन टेक्स्ट को, क्लीन टेक्स्ट को लाइक दिस। और इसको मैं पलट के एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, इनपुट वेक्टराइज्ड लाइक दिस। तो ये भी हो गया। अब चलिए इस पे प्रेडिक्शन मारते हैं। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैं अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। प्रेडिक्ट कर दो किसको, इस इनपुट वेक्टर को, और किसको, इनपुट वेक्टराइज्ड पे मैंने मार दिया प्रेडिक्शन। ठीक है, और इसको मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, प्रेडिक्टेड लेवल लाइक दिस। अब होगा क्या कि ये जो इनपुट टेक्स्ट होगा क्लीन होने के बाद, वेक्टराइज होने के बाद, प्रेडिक्शन मारने के बाद, अब लेबल है, लेबल क्या है, जीरो भी हो सकता है एंगर के लिए, फोर आई थिंक सैडनेस के लिए था, जो भी था वो, लेकिन मुझे प्रिंट जो करना है वो जीरो फोर वो तो नहीं प्रिंट करना है। सो लेकिन उससे पहले हमने इसको इनकोड भी करना था, तो LB डॉट, अब इसके अंदर एक फंक्शन है इनवर्स, इनवर्स ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन है। ये क्या करेगा कि अगर इस लेबल के पास ज़ीरो है तो वो ज़ीरो को कन्वर्ट करेगा एंगर में, क्योंकि हमने लेबल से इनकोड किया था। मैं इसकी इन्वर्स कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज़र को ज़ीरो थोड़ी दिखाना है, जिस तरह वेबसाइट के आउटपुट में मैंने आपको दिखाया था, ऐप के आउटपुट में। ठीक है, और इसको मैं दूंगा एक लिस्ट के अंदर, प्रेडिक्टेड लेबल या प्रेडिक्टेड लेबल राइट, और यहाँ पे आप ज़ीरो ज़रूर देना। ठीक है, और इसको आप इमोशन कह सकते हो, मैं इसको कहता हूँ इमोशन क्योंकि अभी एक टेक्स्ट है। मैं समझाता हूँ, ठीक है, मैं इसको आसान कर देता हूँ, या अच्छा होगा अगर हम इसको प्रेडिक्टेड इमोशन कह दें। ठीक है, ऑल राइट, आखिरी काम करते हैं, साथ में मैं लेबल भी निकलवाऊंगा ताकि वो भी देख सके कि सही प्रेडिक्ट मार भी रहा है या नहीं। तो वो तो बहुत सिंपल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट, यही कोड होगा, यही एक्चुअली दिस कोड ओके। मैं यहाँ पे इसी तरह इसको प्रिंट करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये एक्चुअली आपको मल्टीपल देता है, लेकिन मैं इसका जो सबसे मैक्सिमम प्रॉबिबिलिटी वाला है वो निकलवाऊंगा। सो NP डॉट मैक्स जो मैक्सिमम होगा वो, अब मैं इसको आसान बना देता हूँ। तो ये रिटर्न करेगा ये फंक्शन प्रेडिक्टेड इमोशन और जो लेबल है वो, बस ये दो चीज़ें हमें रिटर्न करेगा। ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, इसको मैंने क्लीन किया क्लीन फंक्शन से और यहाँ पे आ गया। इसको मैंने TF ID वेक्टराइजर से वेक्टर में कन्वर्ट किया क्योंकि मशीन वेक्टर को समझता है, फिर उस वेक्टर पे मैंने मॉडल से प्रेडिक्ट किया। अब इसके पास लेबल है 0, 4, इसी तरह के प्रेडिक्शन हैं, लेकिन इसके पास अगर प्रेडिक्शन एंगर है, आई डिडंट फील ह्यूमिलेटेड, ये एंगर है आई थिंक, तो एंगर नहीं होगा, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस प्रेडिक्टेड लेबल को लेबल के अंदर जाके इनवर्स ट्रांसफॉर्म से कन्वर्ट किया एंगर में, पलट के एंगर में, और इसको इसमें स्टोर किया क्योंकि मैंने यूज़र को तो एंगर दिखाना है ना कि ज़ीरो, और साथ ही मैंने उसका लेबल भी निकलवाया है यूजिंग डिस्कोड और पलट के, ये दो चीज़ें मुझे मिल गए। अब ये फंक्शन है, अब मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं ये बाकी जो सेंटेंसेज हैं इनको कट मारता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये मेरे पास एक यूज़र का इनपुट है, आप ऐसा समझो कि ये किसका इनपुट है, यूज़र का इनपुट है। ठीक है, सो फंक्शन का क्या नाम था, प्रेडिक्ट इमोशन,
और इसको जाएगा सेंटेंस, पलट के मुझे मिलेंगे दो चीजें, इमो एंड लेबल, और इन दोनों को मैं प्रिंट करता हूँ। इमो अभी के लिए ऐसे ही प्रिंट करता हूँ एंड लेबल। सो फंक्शन जैसे ही कॉल होते हैं यूज़र का, ये जो सेंटेंस है ये ऊपर जाएगा, प्रेडिक्शन मारने के बाद ये हमें दो चीज़ें पलट के देगा। लेट्स रन इट एंड सी। हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर ही लेता हूँ। एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग और बर्ड्स लाइक ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? इनपुट टेक्स्ट मैंने भेजा। हाँ, इस वो जो फंक्शन था उसको चाहे स्ट्रिंग, लेकिन मैंने तो पूरा लिस्ट पास किया। ये मैंने गलती की, ये मैं बाद में समझाऊंगा। ये तो मैंने मल्टीपल सेंटेंसेस के लिए किया था आई थिंक। होपफुली इटरेबल और रॉ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिसीव्ड। आई डोंट नो व्हाई। तो मैं क्या करता हूँ, अपना वो जो लिस्ट था वही यूज़ करते हैं अभी के लिए, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया टू बी ऑनेस्ट। बाकी चीज़ें ऐसे ही रखते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल सेंटेंसेज इसको पास करूँ, ठीक है। अब ये सेंटेंसेज जो है ना, ये मल्टीपल सेंटेंसेज इसके पास जाएगा, तो जाहिर सी बात है मुझे एक लूप चलाना होगा सबसे पहले इन सेंटेंसेज पे। सो मैं ये चीज़ें कट करता हूँ। फॉर सेंटेंस इन सेंटेंसेज, और उसके बाद प्रिंट करता हूँ पहले तो सेंटेंस को, और उसके बाद फंक्शन को कॉल करता हूँ, और ये मुझे पलट के देगा ये दो चीज़ें। ये दो चीज़ें मुझे पलट के मिलेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एंड मैंने एक्चुअली ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है पूरा, तो वो क्या करेगा, वन बाय वन सेंटेंस उठाएगा, फंक्शन को कॉल मारेगा, प्रेडिक्शन आएगा, ये दो चीज़ें आएंगी और इनको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो प्रेडिक्टेड इमोशन होगा अपना प्रेडिक्टेड इमोशन, एंड प्रेडिक्टेड लेबल विल बी प्रेडिक्टेड और जस्ट लेबल, ठीक है। और ये एक बार, दूसरी बार जब आएगा तो मैं इसके आगे चाहता हूँ कि एक लाइन हो। वो एरर जो था अभी मैंने देखा नहीं है, मे बी वो दोबारा आए, आई डिडंट फील ह्यूमिलेटेड। उसके बाद वही सेम एरर आई थिंक। सो मैंने आई थिंक यहाँ पे कोई गड़बड़ किया है। एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये एरर हमें ये दे रहा है, तो लेट मी चेक के इनपुट टेक्स्ट, क्लीन टेक्स्ट TFID vectorizer dot transform clean text. I don't know. Let me check. Okay. Actually, ये जो clean text function है, मसला यहाँ पे आ रहा है। वैसे पहले यही same code मैंने use किया था, कोई issue नहीं था। But देखते हैं, मैं इसको एक बार फिर से run करता हूँ। ये कोई list का issue आ रहा है। So मैं नीचे जाता हूँ अपने function के पास। ये मेरे सेंटेंसेस है सारे के सारे, इस पर लूप चलाया, उस सेंटेंस को प्रिंट किया, फिर प्रेडिक्ट इमोशन को कॉल करके प्रेडिक्ट इमोशन, आई थिंक यही फंक्शन है दिस वन। और इसके पास वन बाय वन इनपुट टेक्स्ट आ रहा है। ये देखो सेंटेंस, ओके माय बैड, मैं एक्चुअली पूरे के पूरे सेंटेंसेस पास कर रहा हूँ, मुझे सेंटेंस पास करना चाहिए, तो इतनी सी छोटी मिस्टेक थी और इसने मुझे बहुत थका दिया। टू बी ऑनेस्ट मैंने वीडियो पॉज किया था, मैं सोच रहा था कि लिस्ट से तो हम स्ट्रिंग में, ओके एनीवेज, फिर हम यहाँ पे आके क्लीन टेक्स्ट को इसको पास किया, ये सारा काम। तो देखते हैं, अभी भी एरर है।
iterable over raw text documents expected string object received. यो मैं इसको कहता हूँ सेंट 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 और फिर ये यहाँ पे आएगा इनपुट टेक्स्ट जाएगा ऊपर दिस शुड बी क्लीन टेक्स्ट ये मुझे लिस्ट में पास करना चाहिए लेट्स रन इट हाँ अब ठीक था सो ये छोटे छोटे मसले होते हैं क्योंकि जो टी एफ आई डी वेक्टराइज़र है वो एक तरह से लिस्ट पे या आप कह सकते हो वन डायमेंशन पे काम करता है तो मुझे इसको वन डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ा सो बाकी कुछ नहीं था बस ये दो एरर थे ये लिस्ट में पास करना था और वो सेंट यहाँ पे चेंज करना था तो जो पहला सेंटेंस है आई डिडन फील ह्यूमिलेटेड प्रिडिक्शन इसका जो इमोशन है वो एंगर है और यहाँ पे ये क्या हो रहा है अब यहाँ पे मसला है इनपुट वेक्टराइज्ड में सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट लेट्स सी तो ये एक्चुअली फंक्शन बता रहा है ये सम टाइम इंटरनल एरर होता है मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ अभी भी है मैं देखता हूँ कुछ भी गड़बड़ की होगी शायद इट्स पॉसिबल सो प्रेडिक्टेड लेवल उसके बाद इस प्रेडिक्टेड लेवल को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया प्रेडिक्टेड इमोशन में आ गया और यहाँ पे मैंने लेबल निकलवा दिया सो मैं एक बार लॉजिस्ट को देखता हूँ इसका जो वाई प्रेड है इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो मैंने एक बार फिर से इसको रन किया और ये हमें लेबल दे रहा है कभी फोर प्रेडिक्ट किया है कभी टू जो एक्चुअल थे और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ प्रिंट करता हूँ प्रेडिक्टेड लेबल को या ताकि हम एरर को देख सकें सो लेबल तो आ रही सो मसला इस बंदे से आ रहा है मसला इस लाइन से आ रहा है इस लाइन से सो मैं इसको भी प्रिंट करता हूँ एक बार प्रिंट प्रेडिक्टेड इमोशन और यहाँ पे आ रहा है सैडनेस का था 4 ये बहुत जॉय का था 2 ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग मे बी क्या मुझे एक्चुअली प्रेडिक्टेड इमोशन को ये नाम मुख्तलिफ होता है तो हमने एरर डिटेक्ट किया ये भी एक अच्छा ओह माय गॉड एसटीआर ऑब्जेक्ट इज नॉट लेबल प्रेडिक्ट इमोशन को मैंने टू बी ऑनेस्ट मैं खुद हैरान हूँ कि ये किस टाइप के एरर्स मुझे दे रहे हैं सो इनपुट टेक्स्ट मैं एक बार से चेक करता हूँ ट्रांसफॉर्म हो गया फिर मैंने इस पर प्रेडिक्शन ये यहाँ तक टिक था लेवल उसके बाद मैं प्रेडिक्टेड इमोशन एंड लेवल सो यहाँ से तो क्लियर है ये कह रहा है कि ये फंक्शन कॉल नहीं हो सकता डोंट अभी इसने काम कर दिया ओके परफेक्ट ओ माय गॉड
एक्चुअली वो पुराना था, मैंने नाम चेंज किया प्रेडिक्शन फंक्शन का, बाकी सब ठीक था और यहाँ पे भी अब प्रेडिक्शन है। तो वो पुराना मैंने नोटबुक चलाया था, वही इशू आ रहा था। सो जैसे मैंने रन किया अब ठीक है। सो पहला सेंटेंस है, आई डिडन फील ह्यूमिलेटेड, और जाहिर सी बात है यहाँ पे सैडनेस है, और फोर उसका लेबल है। आई फील स्ट्रांग एंड गुड ओवरऑल, और ये जॉय है। आई एम ग्रेबिंग अ मिनट टू पोस्ट, आई फील ग्रीडी रॉन्ग एंगर है। ही वॉज स्पीचलेस वेन ही फाउंड आउट ही वॉज एक्सेप्टेड टू दिस न्यू जॉब। ये भी जो है था, हमने पहले भी देखा था। सो या मॉडल इज वर्किंग क्वाइट गुड, दिस इज आउटरेजेस। ये एंगर था, हमने देखा था। आई फील लाइक आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, सैडनेस था, बिल्कुल ठीक है। ही इज़ वेरी स्वीट एंड केयरिंग लव। तो या मॉडल इज वर्किंग। अब हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो मैंने क्या किया है, इम्पोर्ट किया है पिकल को, उसके बाद जो एल जी था उसको सेव किया। एग्जैक्टली इस कोड को यूज़ कर लेना। अब मैंने जो मॉडल ट्रेन किया है उसके लिए मुझे वो जो एल बी था, लेबल इनकोडर, उसको भी सेव करना था, और जो टी एफ आई डी वेक्टराइजर था उसको भी सेव करना था। ये जब हम आगे ऐप बनाएंगे वहाँ पे काम आएगा, और ये वर्जन है जिसको अपने आगे पहचान में हम इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इसको भी रन करता हूँ, या बल्कि मैंने ऑलरेडी रन किया है। अब हम बात करेंगे डीप लर्निंग में, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे एल एस टी एम, ठीक है, और फिर हम एल एस टी एम को एक्सप्लेन भी करेंगे। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे डीप लर्निंग ऑन द सेम डेटा यूजिंग एल एस टी एम। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस होगी। सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है, जस्ट लेट मी शो यू द सेम ट्रेंड डेटा, ठीक है। अब ये वो ट्रेंड डेटा है जो अनप्री प्रोसेस है, यानी प्री प्रोसेस नहीं हुआ है। तो हम अगेन इसको प्री प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यानी डीप लर्निंग के मॉडल से। सो एक होगा टेक्स्ट क्लीनिंग, फिर उसको इनकोड करना, एनपैड करना। ये डीप लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। उसके बाद हम बिल्ड करेंगे एल एस टी एम मॉडल और प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाएंगे सेम लाइक मशीन लर्निंग। बट बिफोर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर एन एन एंड व्हाट इज एल एस टी एम। सो एल एस टी एम एक्चुअली आर एन एन की सॉरी एक्सटेंशन है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड आर एन एन, आर एन एन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अगर हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था, ए एन एन, जो कोई भी नॉन सिक्वेंशियल डेटा पे काम करता है, जो टेक्सचुअल डेटा पे काम नहीं करता बल्कि नॉन सिक्वेंशियल डेटा पे। मैं बताता हूँ कि सिक्वेंशियल एंड नॉन सिक्वेंशियल डेटा क्या होता है। तो आर एन एन की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर हमारे पास ए एन एन था, ये भी मैं बताऊँगा। फिर हमारे पास इमेजेस का डेटा था, तो उसके लिए हम सी एन एन यूज़ करते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो इस प्लेलिस्ट के प्रोजेक्ट नंबर 3 में मैंने डिटेल के साथ प्रोजेक्ट किया हुआ है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये है मेरे पास एक डेटा स्टूडेंट्स का, जहाँ पे स्टूडेंट का एज है, उसका मार्क्स है और जेंडर है। तो एक स्टूडेंट है जिसकी एज 30 है, उसकी मार्क्स 100 है और वह मेल है। अब अगर मैं ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को एज अ इनपुट फीड करूँ, तो फर्स्ट इनपुट 30 दैट इज एज, देन 100 दैट इज मार्क्स, देन लेट से एम को, मेल को मैंने दिया है 1। सो ये जेंडर, ठीक है, ये फर्स्ट स्टूडेंट का इनपुट मैंने दिया आर एन एन को। अब अगर मैं इस 30 को उठाऊँ मार्क्स की जगह पे रखो एज को, और मार्क्स को उठाओ एज की जगह पे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है नॉन सिक्वेंशियल डेटा, मतलब डेटा का सीक्वेंस कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम कहते हैं नॉन सिक्वेंशियल डेटा, जो नॉर्मली आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होता है। फिर ये सब एन एन के जो भी फंक्शनैलिटी है, लाइक वेट के साथ मल्टीप्लीकेशन, समेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन, और फिर आपको आउटपुट, ये सारा। लेकिन 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 अगर हमारे पास ऐसा डेटा हो, अच्छा आर एन एन, ये मैं आर एन एन की बात कर रहा हूँ, और आर एन एन एल एस टी एम बाई डायरेक्शनल एल एस टी एम, ये हम आगे देखेंगे, ये आर एन एन की एक्सटेंशन है। एक और है गेटेड, वो भी हम देखेंगे। सो मेरे पास एक टेक्स्ट है, आई एम नूर, ठीक है, आई एम नूर। अगर मैं इसको इस तरह लिखो एम आई नूर, तो क्या इस सेंटेंस को चेंज करने से, यानी एम को उठाकर पहले रखने से डिफरेंस आया? बिल्कुल डिफरेंस आया। तो ये होता है सिक्वेंशियल डेटा, यानी वो डेटा जिसकी सीक्वेंस चेंज करने से फर्क पड़े उसे हम सिक्वेंशियल डेटा कहते हैं। जो नॉर्मली आपके पास टेक्स्चुअल डेटा होता है, स्पीच का डेटा, यानी स्पीच रिकॉग्निशन, जो एक बंदा बोलता है वो एक सीक्वेंस में होता है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ। तो इस किस्म के डेटे पे ए एन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फेल कर गया, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया आर एन एन, जिसको हम कहते हैं एल एस टी एम, और उसका दूसरा थर्ड एक्सटेंशन है बाई एल एस टी एम, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व करने के लिए आया आर एन एन। सो आर एन 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 एल पी टास्क के लिए यूज़ होता है, नॉर्मली टेक्सचुअल डेटा पे काम करता है, और वो डेटा जो सिक्वेंशियल हो।
सिक्वेंशियल डेटा वो होता है जिसकी सीक्वेंस चेंज करने से फ़र्क पड़े। आई एम नूर, मैं नूर हूँ। एम आई नूर, क्या मैं नूर हूँ? तो पूरा सेंस ही चेंज हो गया, तभी तो फ़र्क पड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप 30 को 100 की जगह पर रखो, 100 को 30 की जगह पर रखो, डजेंट मैटर। ठीक है, नाउ लेट्स एक्सपेंड आर डेटा। तो हमारे पास डेटा है कॉमेंट और इमोशन। ठीक है, कॉमेंट में हमारे पास 3 सेंटेंसेज एग्जाम्पल को आसान बनाने के लिए मैंने उठाए हैं। ही हेट्स यू, वो आपसे नफरत करता है। यहाँ पे 3 यूनिक वर्ड्स हैं। आई अप्रिशिएटेड, 3 यूनिक वर्ड्स हैं। शी फेल्ट रिलीफ देन, तब उसने सुकून महसूस किया। यहाँ पे 4 यूनिक वर्ड्स है। सो टोटल वर्ड्स कितने हैं? 10। 3 3 3 + 3 6 + 4 10। ठीक है, और हमारे पास 3 इमोशन है अभी के लिए, हालांकि हमारे डेटा में 6 है। सो एंगर को मैंने 1 दिया है, लव को 2, जो है को 3, यानी इनकोड किया है। ओके, इसको समझो। तो यहाँ पे डीप लर्निंग को ये डेटा हम प्री प्रोसेस करते हैं, यानी यहाँ से स्टॉप वर्ड रिमूव करना, लोअर केस, वो सेम जो मशीन लर्निंग के लिए करते हैं, किसी भी NLP पाइपलाइन के लिए। लेकिन डीप लर्निंग में आपने क्या करना होगा, इस डेटा को इनकोड करना होगा। सेम लाइक मशीन लर्निंग में हमने इस डेटा को इनकोड करके इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उसको हाई रैंक किया यूजिंग TFID वेक्टराइजर। डीप लर्निंग में भी आप TFID वेक्टराइजर यूज कर सकते हो, आई एम सॉरी, बट यहाँ पे और भी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले काम, इस वर्ड्स को मशीन नहीं समझ सकता, हम इन वर्ड्स के वेक्टर्स बनाते हैं, जिसको आप कहते हो वेक्टराइजेशन। और उन वेक्टराइजेशन में वर्ड्स नहीं होते, बल्कि उनके नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यानी इस कैटेगरी को, इन टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करते हो नंबर्स में और इनकी वेक्टर्स बनाते हो। कैसे? मेरे पास से पहला सेंटेंस, ही हैड्स यू, हम इसके 3 वेक्टर्स बनाते हैं। पहले वेक्टर को हम कहते हैं 100। 1 का मतलब है ही, हेड्स का 0 मैंने दिया, यू को भी 0 दिया, क्योंकि ये जो पूरा वेक्टर ये जस्ट ही को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे ही अगर 1 है तो ही है। ठीक है, पहला जो डिजिट है वो 1 है, ये ऑन है, बाकी 2 ऑफ। उसके बाद मैंने पहले को ऑफ किया, दूसरे को ऑन किया, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पर है हेड्स। ठीक है, और फिर इस वेक्टर में पहले 2 को मैंने ऑफ किया, यानी ही एंड हेड्स को ऑफ किया और यू को ऑन किया। तो ये होता है वेक्टर्स। अब देखना, अभी के लिए ये जो नोड है इसको छोड़ो, इस वाले आर्किटेक्चर को देखो। ही हेड्स यू, ये हमारा इनपुट है, ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, ये हमारा RNN है, अभी के लिए समझो RNN है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो वेक्टर्स हैं इसको देते हैं एज अ इनपुट। तो ये कैसे होगा, कुछ इस तरह। 100 जो ही को रिप्रेजेंट करता है वो इस नोड के पास जाएगा, 010 जो हेड्स को रिप्रेजेंट करता है इस वाले नोड के पास जाएगा, एंड 001 यू को रिप्रेजेंट करके इस नोड के पास जाएगा। फिर वेट्स मल्टीप्लिकेशन समेशन को सारा ऑपरेशन होके रहेगा। दूसरा सेंटेंस भी सेम है, इसमें भी 3 वैक्टर्स बनेंगे, आई अप्रिशिएट यू। ठीक है, लेकिन जो चौथा सेंटेंस है उसमें 4 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 शी को रिप्रेजेंट करेगा, 0100 फेल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, 0010 रिलीफ को रिप्रेजेंट करेगा, एंड 001 देन को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये 4 वेक्टर्स हैं। तो अब हो गया क्या, अब ये हुआ कि अब अगर मैं ये चौथा सेंटेंस इस मॉडल को दिखाओ तो एक वेक्टर इजाफी है, और हमारे पास ओनली 3 नोड्स थे। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जनरेट होता है। ठीक है, तो हम क्या, क्योंकि हमारे डेटा में कितने सेंटेंसेस थे, 16,000। ठीक है, और उसमें कुछ सेंटेंसेस में 10 वर्ड्स थे, कुछ में 50 वर्ड्स थे। अगर 50 वर्ड्स है तो 50 वेक्टर्स बनेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम सेंटेंस के वर्ड्स थे वो कितने थे, वो थे आई थिंक 300। सो 300 वेक्टर्स इसी तरह बनेंगे एक सेंटेंस के लिए। अगर ये सेंटेंस 50 वर्ड्स का है तो 50 वेक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ वो वेरी कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए डीप लर्निंग में हम यूज करते हैं पैडिंग। यानी हम अगर यहाँ पे 4 वेक्टर्स हैं और बाकी सेंटेंसेस में 3 वेक्टर्स हैं, तो हम बाकी 3 सेंटेंसेस में 2 वेक्टर्स और ऐड करते हैं और वहाँ पे जस्ट 0 ऐड करते हैं, जस्ट लेंथ को बराबर करने के लिए, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। तो ये देखो, बाकी वही सेंटेंसेस है, लेकिन ये जो पहले 2 सेंटेंसेस थे यहाँ पे हमने 0 पैडिंग ऐड किया। ये पहले भी ऐड कर सकते हो, एंड में भी ऐड कर सकते हो, यानी प्री पैडिंग पोस्ट पैडिंग आगे हम कोड में देखेंगे। तो अब अगर मैं ये सेम सेंटेंस, यानी शी फेल्ट रिलीफ देन पास करो, तो यहाँ पे मेरा जो सॉरी ही हैड्स यू, 3 थे लेकिन मैंने एक ऐड किया है, अब मॉडल इसको रिकॉग्नाइज करेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे, लेकिन अब हम जाएंगे कोड में। ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सो मैं जा रहा हूँ अपने नोटबुक में, और यहाँ पे सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग के लिए अगेन मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, और इसको भी मैं कहता हूँ क्लीन टेक्स्ट। अब इस फंक्शन के पास 3 चीज़ें आएगा, डेफ, कॉलम, सेम फंक्शन है जो हमने थोड़ी देर पहले किया, और मैक्स
लेंथ, ये मैक्स लेंथ क्या है ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले वो स्टैमर हम बनाएंगे, ठीक है, पोटर स्टैमर की मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। उसके बाद अच्छा, अब इस फंक्शन के पास पूरा डेटा आ रहा है और इस डेटा को ये कॉलम आएगा और ये कमेंट होगा, इसमें 16,000 रोज हैं। तो मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा, लेकिन लूप से पहले एक कॉर्पस बनाता हूँ जो स्टोर करेगा मेरे टेक्स्ट को। यानी मैं वही सेम जो ऊपर मशीन लर्निंग में प्री प्रोसेसिंग के लिए फंक्शन बनाया था सॉरी, वही सेम एक और तरीके से भी सिखाना चाहता हूँ। सो फॉर टेक्स्ट इन डेटा के कॉलम, ये आप ऐसा समझो कि अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ अभी के लिए टेक्स्ट क्लीन, सॉरी क्लीन टेक्स्ट, और इसको मैं ट्रेंड डेटा भेजूँगा जो यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। इसके पास तो तीन कॉलम हैं और एक यहाँ पे मैं कमेंट वाला कॉलम भेजूँगा, ठीक है, कमेंट। और उसके बाद अच्छा, एक और चीज़ सेंड करता हूँ, वो कैप साइज़ जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, ये डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है साइज़, इसको मैं रखता हूँ 11,000, ठीक है। कुछ चीज़ें समझ आएगी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी, बट स्टे विद मी। 300 मेरा मैक्सिमम है लेंथ है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ट्रेंड डेटा दिखाऊँ और उसका जो कमेंट वाला कॉलम है वो निकलवाऊँ और इस पर एक लूप चला फॉर वर्ड इन ट्रेंड डेटा और इस वर्ड का मैं लेंथ निकलवाओ, यानी मैं यह पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसमें जो मैक्सिमम लेंथ है वो निकलवाओ, ये 300 है, ठीक है। यानी 16,000 बार ये लूप चला और हर सेंटेंस के वर्ड्स की काउंट निकलवा के और इसने बताया कि ये आपका एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें 300 वर्ड्स हैं। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। सो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें 7 वर्ड्स हैं, सो ये मैं भेज रहा हूँ एक्चुअली। ओके, मैक्स लेंथ और ये दो चीज़ें, विकेप साइज भी यहाँ पे होना चाहिए फंक्शन में, ये रिसीव भी तो करना है, ठीक है, बढ़िया। अब ये लूप वन बाय वन सेंटेंस उठाएगा और फिर वही सारे चीज़ें टेक्स्ट एक्सप्रेशन और सब, सॉरी आई एम सॉरी। और यहाँ पे आपका वही, सबसे पहले मुझे चाहिए ओनली ए से जेड तक, कैपिटल एस से कैपिटल जेड तक, यानी बाकी चीज़ों को हटा के जस्ट टेक्स्ट को छोड़ दो। और वो किसके पास है, वो एक्चुअली टेक्स्ट के पास है, यानी इस वाले टेक्स्ट के। उसके बाद वही सेम लोअर करना, टेक्स्ट विल बी इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लो, लोअर करना, फिर टेक्स्ट विल बी इक्वल टू टेक्स्ट को स्प्लिट करना, यानी वन बाय वन वर्ड, तभी तुम काउंट कर पाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट पे मैं पोटर स्टैमर यूज़ करता हूँ, सो स्टैमर डॉट स्टेम, यानी लविंग अगर है तो वो लव हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड इन कहा कहता टेक्स्ट के अंदर, फॉरवर्ड इन टेक्स्ट इफ, और उसके साथ स्टॉप वर्ड भी चेक करूँगा, इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड, मैंने ऑलरेडी आई थिंक स्टॉपर्स मैंने डिफाइन तो किए थे, चलिए दोबारा करते हैं। स्टॉपर्स विल बी इक्वल टू एन एल टी के डॉट कॉर्पस डॉट स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स डॉट नॉट डॉट इंग्लिश वाले, और इसका सेट निकलवा दो, ये अपने स्टॉपर्स हो गए, ठीक है। सो परफेक्ट, उसके बाद मैं इसको स्ट्रिंग से जॉइन स्ट्रिंग से जॉइन करता हूँ लाइक दिस, सेम वही ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ प्लेन टेक्स्ट, और ये मुझसे, इसको मैं कॉल अभी नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये होगा क्या, इसके पास डेटा जाएगा, डेटा, ठीक है, ये डेटा ये यहाँ पे रिसीव होगा और ये कॉलम जाएगा जो कि कमेंट है, विकिप साइज 1100, मैक्स लेंथ 300, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन सेंटेंस उठा रहा हूँ, टेक्स्ट को छोड़ रहा हूँ, लोअर, स्प्लिटिंग, स्टेमिंग एंड जॉइन।
अब ये टेक्स्ट जो है ना, जिस तरह हमने मशीन लर्निंग में ऊपर जो हमने TFID वेक्टराइजर यूज किया, यहाँ पे हम सबसे पहले जिस तरह यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट लेट मी शो यू, ये ही हेड्स यू, इनको हमने जो ये वेक्टर्स के अंदर इंटीजर है 100011, इन नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आप यूज़ करते हो वन हॉट, और वन हॉट मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ। सो मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो एक लूप चलाऊंगा, लेकिन क्या करता हूँ, वो जो कॉर्पस मैंने बनाया है उसमें अपेंड करता हूँ इस टेक्स्ट को। उसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर फॉर, जो एक वर्ड उठाएगा इस कॉर्पस से, ठीक है, और फिर हर वर्ड को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, और वो कौन करेगा, मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है वन हॉट। अब ये वन हॉट आपसे इनपुट लेता है, इनपुट कि आपका वर्ड कौन सा है और वो किससे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो ये वर्ड, और मैक्सिमम यहाँ पे आपका नंबर कितना है, मैं वेक्यूब साइज। अब मैं समझा देता हूँ कि इस पूरे का मतलब क्या है, मैंने वेक्यूब साइज को रखा, जस्ट अभी के लिए फॉलो करो, मैं एक न्यू सेल में आपको बता देता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ वन हॉट वर्ड लाइक दिस। सो मैं यहाँ पे आके, ये मैंने ऑलरेडी किया है, इसको मैं जो है ना हटाता हूँ, ठीक है, इसको भी हटाता हूँ, ताकि अभी के लिए समझो कि ये मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट है, ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। अब इन टेक्स्ट को मैं वन हॉट इनकोड करता हूँ। सो सबसे पहले तो मैं इसको लिस्ट से हटाता हूँ, यानी लिस्ट पे ये मुझे आगे एरर देगा, तो मैं ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो इट शुड बी टेक्स्ट, अब ये स्ट्रिंग है, आई लव माई सेल्फ, आई हेट यू, वी लव आर सेल्फ, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है, ये तो पूरा एक सेंटेंस बन गया, क्योंकि मैंने नॉ स्प्लिटिंग किया, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इस पे वन हॉट इनकोडिंग लगाऊं, और वन हॉट इनकोडिंग में इनपुट टेक्स्ट मेरा क्या है, टेक्स्ट, तो ये मुझे एरर देगा, क्यों, क्योंकि ये एक और आर्ग्यूमेंट लेता है एन के। अगर मैं अभी के लिए एन 50 दे दूं, यानी 50 जो हमने नीचे 1100 लिया था, मैं यहाँ पे 50 देता हूँ, तो इसने क्या किया, आई को दिया 23, लव को दिया 13, माई सेल्फ को दिया 6, ठीक है। उसके बाद आई दोबारा आ रहा है, तो दोबारा 23 होगा, और हेट, इसने हेड को भी 23 दिया, और उसके बाद यू को दिया 36, वी को दिया 46, लव को दिया 13, यहाँ पे भी 13 था, तो वो अगेन 13 से रिप्रेजेंट होगा, और आर सेल्स को दिया 40। इसी तरह आप नंबर देते हो, ठीक है, इस चीज़ को अभी के लिए समझो। ये जो नंबर ऑफ इक्यूब मैंने दिया, इसका मतलब ये है कि जब आप ये नंबर देते हो, ये डिजिट 1 से लेकर 50 तक, अगर मैं 3 रखूँ तो ये यहाँ पे ओनली 3 तक जाएगा। ये देखो, इसने आई को भी 2 दिया, और लव को भी 2 दिया, माई सेल्फ को भी, सबको 2 दिया, तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा 2 है, कौन सा क्या है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बड़ा सा नंबर दे दे, जैसे कि 100 तक, यानी फिर ये क्या करेगा, हर वर्ड को यूनिक इंटीजर देगा। अभी यहाँ पे लव को 10 दिया है, जहाँ जहाँ पे लव होगा वहाँ पे 10 होगा, ठीक है। इसी तरह होता है नंबर ऑफ क्यूब, आई होप इस चीज़ की समझ आ गई। अब ये जो नंबर है, इनके हम वैक्टर्स बनाएंगे। एक्चुअली वेक्टर्स इसके जब आप इंटरनल यूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने तो 1 बाय 1 वर्ड उठाए नहीं थे, तो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 उठा लिया, ये बन गए हो गए। अब इसको हम पेड करेंगे, क्योंकि जब ये वेक्टर बनते हैं, क्योंकि ये तो एक सेंटेंस था, और हमारे केस में तो 16,000 सेंटेंस है, और हर सेंटेंस के अंदर एक वर्ड होता है, और हर वर्ड को एक वैक्टर मिलता है, इसको पूरा एक वैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि 300 वैक्टर्स मैक्सिमम था, कुछ 7 वैक्टर्स हो गए, कुछ 10 वैक्टर्स हो गए, तो हम पेडिंग करेंगे, के जीरो पैडिंग करें, जो मैंने वापस समझाया था। तो उसके लिए हमारे पास पेड सीक्वेंस, जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया था प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है सीक्वेंसेस, के किसको सीक्वेंस करना चाहते हो, और वो मेरा वेरिएबल है वन हॉट इन कोड, क्योंकि मेरे वर्ड्स इसी के पास ही तो है फाइनली, कि इनको अगर इनमें सीक्वेंसेस की ज़रूरत है तो डाल दूँ, ठीक है। उसके बाद मैक्स लेंथ क्या होगा, मैक्स लेंथ इसके अंदर अपना बिल्ट इन पैरामीटर है, और वो मेरे फंक्शन के पास है मैक्स लेंथ 300, क्योंकि मेरे मेरे पूरे वोकैबुलरी में, पूरे डेटा में एक सेंटेंस ऐसा है जो मैक्सिमम लेंथ का वो 300 है, यानी आप हर सेंटेंस को 300 वेक्टर दोगे। अगर एक सेंटेंस है जिसमें 7 वर्ड है, तो 7 वर्ड्स के वेक्टर्स होगे, और बाकी 293 जीरो पेडिंग वाले वेक्टर होंगे। ये हर 16,000 सेंटेंस के लिए हर सेंटेंस का 300 वेक्टर्स बनेंगे,
ताकि हमारा जो वेयरिंग सीक्वेंस का प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो। और पहले डालना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पे मैंने एंड में डाला, ठीक है, पहले डालना चाहते हो या बाद में, तो उसके लिए या तो आप प्री डालते हो या आप पोस्ट डालते हो। तो मैं प्री डालता हूँ कि आप पहले ही डालो, फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम सॉरी। तो ये फंक्शन मैंने ऑलरेडी कॉल किया है जिसको मैंने डेटा और ये किया है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कमेंट भी भेजा है, कैप्स है, सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ पे ये मेरा इनपुट होगा क्योंकि यही तो मेरा इनपुट बन जाएगा। और इसी सेम को मैं बेचूँगा आउटपुट कॉलम टू ट्रेंड डेटा का जो इमोशन वाला कॉलम है। मैं फंक्शन को नहीं भेज रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको बाद में करता हूँ, अदरवाइज आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो मैंने इसको रन किया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको रन किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि 16,000 सेंटेंसेस की बात हो रही है। सबसे पहले सारा टेक्स्ट प्री प्रोसेस, स्टेमिंग, जॉइन, कॉर्पस बना, फिर वो क्या करेगा, हर वर्ड को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, वेक्टर बनेगा, और वापस सीक्वेंसेस की ज़रूरत है तो वो पैड सीक्वेंस। उप्स, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की, मुझे इसको रिटर्न भी तो करना था, तो ये तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मैं इसको पैड ही कहता हूँ, कुछ भी कह दो, सो ये रिटर्न कर देगा पैड को, यानी अब एक वैक्टर जमें रिटर्न हो गए। दोबारा मैंने रन किया, होपफुली इट शुड वर्क। सो अब अगर मैं एक्सट्रेंड दिखाओ देन यू वुड सी, ये देखो वेक्टर्स बन गए। तो ये एक वेक्टर है पूरा का पूरा 300 का, समझ आ गया, बढ़िया। अब हम यहाँ पे जो ट्रेंड डेटा का इमोशन वाला है, अगर मैं ये दिखाऊँ तो ये देखो सैडनेस सैडनेस सैडनेस, इसको हम इनकोड करेंगे यूजिंग सबसे पहले लेबल इनकोडर। सो लेबल इनकोडर का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ये अपना लेबल इनकोडर हो गया। उसके बाद डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ट्रेंड डेटा के अंदर जाके जो इमोशन वाला कॉलम है, और पलट के किसको दे दो, अगेन ट्रेंड डेटा के अंदर जाके इमोशन वाले कॉलम को, या आपने एक कॉलम में डाल सकते हो जैसे कि हमने पिछली बार किया। तो ये हो गया। अब अगर मैं दिखाऊँ ट्रेंड डेटा तो ये देखो, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब देखना, हमने टू कैटेगोरिकल इंपोर्ट किया था केरॉस लाइब्रेरी से। सो मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने इनकोड तो किया है इमोशंस को, इसको हम इनके भी हम वेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, इनके भी आपको वेक्टर्स बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे पहले था एंगर, एंगर को हमने दिया था 4। सो ये क्या करेगा, 0000 और 1 and 0, ये 4 है। दोबारा एंगर आया था उसका भी ये सेम वेक्टर होगा, ये लेट से जोए था, तो जहाँ पे भी जोए होगा उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा 1000000 होगा। और लेट से ये हमारे पास सरप्राइज है, ठीक है, इंटरनल इसने हैंडल कर लिया, तो सरप्राइज आ जा पे होगा वो 001000 होगा, यानी हमने इनको कैटेगरी में आप कन्वर्ट किया और इनके वैक्टर्स बनाते हुए। और इनको मैं कहता हूँ वाई ट्रेंड। अब मेरे पास एक्स ट्रेंड भी हैं एंड वाई ट्रेंड भी हैं, तो चले मॉडल को क्रिएट करते हैं, देर किस बात की है। तो जैसे कि मैंने कहा दैट वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग इज रिप्रेजेंट बाई नेम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, LSTM। सो जस्ट लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। ओके सो सबसे पहले मैं मॉडल के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ सिक्वेंशियल का। हमने एक सिक्वेंशियल इंपोर्ट किया था, सिक्वेंशियल केरॉस लाइब्रेरी के अंदर कोई भी न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करता है, ये एक लिनियर स्टैक लेयर्स बनाने में हेल्प करता है, आगे भी हम देखेंगे इसको। अब इस मॉडल के अंदर सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया था, अगर आपको याद हो, एम्बेडिंग, ठीक है, एम्बेडिंग एक्चुअली वर्ड्स एम्बेडिंग के लिए यूज़ होता है LSTM या RNN में। और इसके अंदर आपको देता है इनपुट डायमेंशन 1100 है, मुझे पता है। और इसको आप आउटपुट डायमेंशन भी देते हो, आउटपुट डायमेंशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखो, लेकिन नॉर्मली आपके डेटा पे एक्चुअली डिपेंड करता है, सो हम 150 रखते हैं।
और टोटल आपके कितने वेक्टर्स है हर सेंटेंस में, और मुझे पता है कि वो 300 हैं, ठीक है, जीरो पैडिंग के साथ। उसके बाद मॉडल डॉट एड, यहाँ पे हम एल एस टी एम हमने इम्पोर्ट किया था वो ऐड करते हैं, और इसके अंदर 128 यूनिट ऐड करते हैं न्यूरॉन्स। आप 200 भी रख सकते हो, बट मैं मुझे इस पे रिज़ल्ट अच्छा मिला, ठीक है। उसके बाद हम हिडन लेयर एक ऐड करते हैं और उसको मैं नाम देता हूँ, अच्छा हिडन लेयर या कोई भी लेयर क्रिएट करने के लिए आप डेंस फंक्शन यूज़ करते हो, और इसके अंदर मैं न्यूरॉन रखना चाहता हूँ 64, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन नॉर्मली सिग्मोइड ही बेटर रहेगा। और उसके बाद मैं ऐड करता हूँ एक और डेंस लेयर जो एक्चुअली आउटपुट लेयर होगा। अब आउटपुट में मेरे पास 6 इमोशन है, तो मेरा जो न्यूरॉन होंगे आउटपुट में 6 होंगे, और एक्टिवेशन होगा मल्टीपल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। आउटपुट लेयर में जो एक्टिवेशन फंक्शन आप देते हो वो सॉफ्ट मैक्स है, पिछले प्रोजेक्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये था मॉडल, बस यही आर्किटेक्चर है। अब एक और काम करते हैं कि जब इस मॉडल को हम ट्रेन करेंगे तो वो क्या करेगा, ओवरफिटिंग की तरफ जाएगा। तो ओवरफिटिंग से बचने के लिए, यानी ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए, आप हर लेयर के बाद एक चीज़ और ऐड कर लेना, डॉट एड ड्रॉप आउट लेयर, ठीक है। हमने इंपोर्ट किया था ड्रॉप आउट लेयर, ये मैं हर फंक्शन एक्सप्लेन करूँगा। 0.2 रेशो, ये मैंने फर्स्ट लेयर के बाद ऐड किया, एल एस टी एम के बाद भी मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मोइड के बाद भी मैं इसको ऐड करूँगा। आई थिंक मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, आर्किटेक्चर क्लियर बना लिया। तो ये हो गया एम्बेडिंग वाला लेयर 1100, आउटपुट 150 और इनपुट लेंथ 300। उसके बाद ड्रॉप आउट लेयर, फिर एल एस टी एम वाला लेयर 128 न्यूरॉन के साथ, ड्रॉप आउट लेयर डेंस लेयर यानी हिडन लेयर भी कह सकते हो 64 न्यूरॉन, एक्टिवेशन सिग्मोइड, ड्रॉप आउट लेयर एंड फाइनली हमारा आउटपुट लेयर 6 न्यूरॉन विद सॉफ्ट मैक्स, आई थिंक परफेक्ट है। अब ये मॉडल ट्रेन होने के, सॉरी आर्किटेक्चर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। सो आप क्या करते हो, मॉडल डॉट, अच्छा कंपाइल करने से पहले क्यों ना हम डिस्कस करें कि ये ऊपर जो फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं इनका क्या मतलब है। सो सबसे पहले है यहाँ पे सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल केरॉस के अंदर एक सिक्वेंशियल मॉडल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये एक्चुअली लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स बनाता है। यहाँ पे हमने एम्बेडिंग यूज़ किया है। एम्बेडिंग एक्चुअली एड्स करता है एम्बेडिंग लेयर को, जो यूज्ड होता है वर्ड एम्बेडिंग के लिए, यानी कन्वर्ट करता है इनपुट सीक्वेंसेस को, इंटीजर के जो इनपुट सीक्वेंसेस है इनटू डेंस वेक्टर्स, ठीक है, डेंस वेक्टर्स में इनको कन्वर्ट करता है फिक्स्ड साइज के साथ। इसके अंदर ये 3 पैरामीटर्स आप देख सकते हो, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिए हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप आउट लेयर है। सो ड्रॉप आउट लेयर हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो मॉडल है उसको ओवरफिटिंग से बचाएं, बाय रैंडमली सेटिंग अ फ्रैक्शन ऑफ इनपुट यूनिट्स डिपेंड्स ऑन यू, तो हमने 0.2 रखा है। उसके बाद हमने ऐड किया एल एस टी एम लेयर, जो कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, अच्छा एल एस टी एम स्टैंड फॉर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। एल एस टी एम हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, जो हमने डिस्कस किया वो था आर एन एन। एल एस टी एम भी सेम है लेकिन फ़र्क है, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये जो आर्किटेक्चर है ये आर एन एन का नहीं है, ये एल एस टी एम का है। सो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का एक्सटेंशन है जो कैप्चर करता है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज इन सिक्वेंसेज। इसमें हमने यूनिट जो रखे हैं वो 128 हैं। फिर ये अपना एक और लेयर हमने ऐड किया है और इसके अंदर 64 आपके न्यूरॉन्स है, सिग्मोइड एक एक्टिवेशन फंक्शन है, आउटपुट लेयर एट्सेट्रा। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल के अंदर आप क्या करते हो, कुछ चीज़ें देते हो, जैसे कि मैट्रिसेस एक्चुअली आप यहाँ पे देते हो। तो हम सबसे पहले ऑप्टिमाइज़र यहाँ पे देते हैं, ऑप्टिमाइज़र, और ऑप्टिमाइज़र नॉर्मली हम एडम यूज़ करते हैं। और लॉस मैं यहाँ पे रखूँगा कैटेगोरिकल एरर, लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग में जो हम मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, बहुत सारे एरर यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के केस में आप बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हो, एक नाम है मुझे याद नहीं है, लेकिन मल्टीपल क्लासिफिकेशन के लिए जो एरर कैलकुलेट करने के लिए आप मैट्रिक्स यूज़ करते हो वो है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी,
और बाइनरी में आई थिंक अगर यहाँ पे जैसे कि अगर मैंने क्लासिफाई करना था सेंटिमेंट एनालिसिस के पॉजिटिव नेगेटिव, तो आउटपुट में क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहाँ पे हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिक्स है एंगर वो सारे, तो मल्टीपल के केस में आप कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी एज अ लॉस यूज करते हो। और एक्यूरेसी के लिए भी आप मैट्रिक्स दे सकते हो, ये क्यों सजेस्ट करता है, और वो मैं रखना चाहता हूँ एक्यूरेसी। होपफुली स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक हो तो वो हम बाद में देखेंगे। अब हम इसको ट्रेन करते हैं। सो मॉडल डॉट फिट आप यूज़ करते हो, और ट्रेन इनपुट डेटा पे आप करते हो और आउटपुट डेटा पे आप करते हो। और इपोक्स में रखना चाहता हूँ अभी के लिए 5। जो नोटबुक मैंने आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे डेटा भी मिल जाएगा, ये सारा का सारा कोड वो एक्चुअली वहाँ पे मिल जाएगा आपको। हाँ, मैंने 10 यूज़ किए हैं, तो टाइम सेव करने के लिए मैं 5 यूज़ करूँगा, क्योंकि डीप लर्निंग मॉडल टाइम लेते हैं। बेच साइज भी आप रख सकते हो, हम सो बेच साइज में 64 रखता हूँ। ये चीज़ें हम कई प्रोजेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और वेयरबोस 1 रखता हूँ, जो नीचे बार आता है उसके लिए, अगर 0 रखूँगा तो बार नहीं आएगा। सब बढ़िया है। चलो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। इपोक्स मैंने 5 रखा, यानी 5 टाइम्स पर डेटा पे मेरा मॉडल ट्रेन होगा। होपफुली कोई एरर ना हो, तो ये कुछ वार्निंग दे रहे हैं, और उसके बाद एक एरर भी इसने दे दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हमने किया होगा। एक्स साइज इज़ 1, वाई साइज ओके। तो एक मसला हुआ है, मुझे यहाँ पे गुमान हुआ था। मसला ये है कि एक्स ट्रेन ने हमें ये पूरे हॉट इनकोडिंग पैडिंग करने के बाद इसने हमें दिया ओनली 1 वेक्टर, ऐसा क्यों? ये चीज़ हम देखेंगे। ये देखो, ये ओनली 1 वेक्टर आपको दे रहा है। देखता हूँ कि मैंने क्या गड़बड़ की है। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे डेटा भी ले रहा है, और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमने डेटा इसको पास किया है। और ये देखो डेटा, ठीक है, कॉलम भी ले रहा है, विकेप साइज एंड मैक्स लेंथ। उसके बाद हमने एक लूप चलाया डेटा पे, और जो कमेंट कॉलम था वो लोअर केसिंग, हर चीज़ करने के बाद फॉरवर्ड इन टेक्स्ट, इफ फॉर नॉट इन स्टॉप फॉर, ये सारे करने के बाद टेक्स्ट, फिर जॉइन किया कॉर्पस में, अपेंड किया। अच्छा, मसला कोई यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इस कॉर्पस के ऊपर एक लूप चला और 1 बाय 1 वर्ड उठाया, और उसके बाद 1 हॉट इनपुट टेक्स्ट वर्ड आ रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर, द कैप साइज जो कि 11,000 था, ये भी ठीक है, और ये आ रहा है 1 हॉट वर्ड में। उसके बाद पेड सीक्वेंसेस में सीक्वेंसेस 1 हॉट वर्ड, ये भी ठीक है, मैक्स लेन, मैक्स लेन जो हमने दिया है पेडिंग प्री, ठीक तो है, तो फिर मसला कहाँ पे है? मैक्स लेन 300, ये भी ठीक है, क्लीन टेक्स को हमने कॉल किया है। मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, हाउ कुड इट पॉसिबल? अब बीपी एक दे रहा है, मैंने मे भी कुछ तो गड़बड़ किया होगा, क्योंकि लेट्स सी, एक छोटा सा मिस्टेक मैंने किया है, ए से ए तक मैं गया हूँ, ठीक है, मैंने पूरा रिदम ही चेंज किया है, मुझे लगता है कि इशू यहाँ से आ रहा है, बट सी क्योंकि हम एक वर्ड या इसने एक सेंटेंस ही उठाया, हमारे पास 16,000 है, और ये एक अलग चीज़ है, इसको अभी के लिए भूल जाओ। ए टू जेड, हाँ बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर रन करता हूँ, हाँ ठीक है, आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। उसके बाद ये वो लेवल इनकोडिंग। अब मैं दोनों की शेप एक बार देखता हूँ आगे बढ़ने से पहले। हमारे पास 16,000 सेंटेंसेस थे। एक्सट्रन डॉट शेप वाई अभी भी है कि और ये 16,000 है, हाउ कुड इट पॉसिबल? मैंने फिर से कहाँ पे गड़बड़ की?
इसका इलाज अभी मैं करता हूँ, ये ऐसे नहीं मानता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करता हूँ लेंथ ऑफ कॉर्पस। ओ हम लूप के अंदर ये कर रहे हैं। ओके अभी के लिए मैं अभी अगर मैं दिखाऊँ तो कॉर्पस ये लूप तो एक बार चलेगा और हम वही उसी एक बार फर्स्ट सेंटेंस जो आ रहा है इसको मैं एक्चुअली टेक्स्ट करता हूँ। ये एक्चुअली मैंने वीडियो को पॉज किया था तो थोड़ा सा मैंने देखा लेकिन मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अभी मुझे समझ आया ये चीज़ें लूप से बाहर होनी चाहिए। एनीवेज मैं ये चीज़ें कमेंट करता हूँ लेंथ ऑफ कॉर्पस। ठीक है तो अब ये अगर देखो तो 16,000 बार होना चाहिए। ठीक है आगे जाके देख लेना। सो हमें एक्चुअली ये कॉम लूप से बाहर करना चाहिए, बाकी ठीक था, यही मिस्टेक हमने किया। सो मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ, शिफ्ट टैब, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे देखो ये फंक्शन है। अब मैं जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा तो कमेंट डेटा जाएगा और अंदर 16,000 बार हम लूप चला रहे हैं और हर बार सेंटेंस क्लीन होगा और उसके वेक्टर्स बनेंगे। ठीक है सॉरी या तो क्लीन होगा पूरा का 16,000 बार आप कॉर्पस के पास आ गया। बाहर आके हमने 1-hot कोड से उसके वेक्टर्स बनाए फिर हमने पैड सीक्वेंसेस किए। अब देखते हैं मैंने इसको रन किया, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो ये हो गया, मैं बार बार रिकॉर्डिंग देता हूँ क्योंकि सम टाइम मेरा लैपटॉप रुक जाता है। अब मैं शेप देखना चाहूँगा तो अब बढ़िया है, अब ठीक है। सो हमारे पास 16,000 सेंटेंसेज हैं, जीरो से स्टार्ट होता है तो 16,000 सेंटेंसेज हैं और हर सेंटेंस के अंदर 300 वेक्टर्स हैं। और ये करने के बाद इसकी शेप भी सेम है तो अब मैं रन करता हूँ अपना मॉडल। सो मॉडल रन करने के बाद ये हमारा पहला ईपॉक स्टार्ट हो गया। ठीक है हाँ ये कुछ वार्निंग देते हैं क्योंकि मैं ओल्ड लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ आई थिंक। सो हमारा एक्यूरेसी 17, 18 लास्ट 2 पॉइंट दिस, ये फर्स्ट ईपॉक हो रहा है। सो मैं वीडियो को पास करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा आके प्रेडिक्टिव सिस्टम भी बनाएंगे और मॉडल को भी देखेंगे। तो ये हो गया 5-5 ईपॉक शुरू है, 91 एक्यूरेसी है। सो ये बढ़ेगा 94 तक जाएगा तकरीबन, 10 पे भी तकरीबन आपको 97 तक जाएगा एक्यूरेसी, जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ अबाउट जस्ट लेट मी अबाउट पेडिंग एंड 1-hot encoder। सो सपोज देर इज़ अ कैटेगरी कॉल्ड एनिमल, एनिमल एक टेक्स्ट भी हो सकता है, इट हैज़ 4 वैल्यूज। सो एक सेंटेंस है जिसमें 4 वर्ड्स है, कैट डॉग काउ एंड कैमल। अब जब इसमें आप 1-hot encoder इस्तेमाल करते हो तो आप सेंटेंस देते हो और वोकैब साइज, तो ये आपके पास एक्चुअली वो जो इंटीजर थे उसी तरह ही बनेगा, लेकिन एक्चुअल में ये 4 कॉलम्स बनेंगे। 4 कॉलम्स आर नथिंग बट वैक्टर्स। ठीक है अब ये जो कैट है, कैट 1000 यानी जहाँ जिस कॉलम में कैट है वो 1 होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट रो में यानी ये फर्स्ट वेक्टर है, एक्चुअली रो वेक्टर इज आर नथिंग बट सेम थिंग्स, तो डॉग भी ऑफ होगा, काउ भी ऑफ होगा, कैमल भी ऑफ होगा। सेकंड रो जो है वेक्टर है वो डॉग का है, अब यहाँ पे तो कैट है तो वो 0 होगा लेकिन यहाँ पे डॉग, इसलिए ये 1 हो गया, काव का 0, कैमल का 0। थर्ड वेक्टर में जहाँ पे काव है वो 1, बाकी 0 एंड 4 वेक्टर में 1। इसी तरह आप 1-hot encoder यूज़ करते हो और इसी तरह वेक्टर्स बनते हैं। फिर ये जो वेक्टर्स हैं अगर इनमें लेंथ वेरी है, यानी जो लेंथ प्रॉब्लम है वो है, जैसे कि एक और है लेट्स से सैम्पल, यहाँ पे एक और वर्ड है सैम्पल और उसमें 1-1 है ओनली लेट्स अभी के लिए, तो पहले तो ठीक है लेंथ इक्वल है बट ये आखिरी जो है ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम पैडिंग ऐड करते हैं या प्री पैडिंग या पोस्ट पैडिंग, यानी 2 0 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ताकि इनकी जो लेंथ सीक्वेंस वेरिंग प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। इसी तरह पैडिंग होता है। तो ये हमारा पैडिंग था और 1-hot encoder था और ये हमारा अपना 5th ईपॉक्स चल रहा है, जो नोटबुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 ईपॉक्स। सो लेट सो 5 ईपॉक्स चलने के बाद इसने हमें 91 एक्यूरेसी दिया, 10 ईपॉक्स चलाने पे ये आपको देगा तकरीबन 96-98 तक जाएगा।
तो अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाता हूँ सेम लाइक वी क्रिएटेड फॉर द मशीन लर्निंग। सो सेंटेंसेस के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं, आई हैड्स लव, नो आई हैड्स मैंगोज, कुछ भी हो, एक नेगेटिव सेंटेंस हो, एक एंगर इमोशन है। आई फील स्ट्रांग एंड गुड ओवर ऑल, ये एक जॉय है आई थिंक। एक और बनाते हैं, ही इज रियली स्वीट एंड केयरिंग, ये एक लव इमोशन है। ठीक है, अब इस पे मैं एक लूप चलाऊंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको बता देता हूँ कि कैसे। जस्ट गिव मी सेकंड, लाइक दिस। सो फॉर सेंटेंसेस अगर मैं प्रिंट करूँ तो सेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्रेड, और इसको ये सेंट जाएगा और पलट के ये हमें दो चीज़ें देगा, इमोशन एंड लेवल, या प्रोबेबिलिटी भी आप कह सकते हो। उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा इमोशन और प्रिंट करूँगा लेवल फर्स्ट सेंटेंस के लिए, फिर उसके बाद एक लाइन होगा। तो फंक्शन का नाम है प्रेड, तो मैं एक प्रेड फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ जो डेफ प्रेड, और इसको आएगा एक टेक्स्ट या एक सेंट, सेंट ही कहते हैं, अच्छा रहेगा। अब वो जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप हमने किए थे ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ पे भी हम करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक सी, फिर इसमें चेंजेस करूँगा अकॉर्डिंगली, राइट। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वह फर्स्ट टाइम आई हैड्स जाएगा, आई हैड मैंगोज, तो उसको हमने प्री प्रोसेस करना होगा, वन हॉट इनकोडर, इस लूप की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ से यहाँ तक का चीज़ें थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमाता हूँ, लाइक दिस। तो वही सेम है प्री प्रोसेसिंग यहाँ तक, उसके बाद वही सेम वन हॉट इनकोडर, उसके बाद वही सेम, कोई भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वकेब साइज में यहाँ पे अपनी तरफ से डालूंगा क्योंकि इस फंक्शन के पास जस्ट सेंट है। सो ये वकेब साइज, सॉरी, या 11,000 मैंने रखा था, और जो मैक्स लेंथ था वो 300 था, यानी 300 वेक्टर्स। सो ये चीज़ें मैं मैनुअली चेंज करूँगा क्योंकि ये मेरे पास नहीं, बाकी एज इट इज़। सो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि होता है क्या। तो हमेशा की तरह एरर तो आएगा, लोकल वेरिएबल टेक्स रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। हाँ, तो हम यहाँ पे टेक्स बार बार यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे भी ये टेक्स्ट होना चाहिए, फिर भी एरर है, तो एक बार फिर से देखते हैं, कोई इशू नहीं। Not enough values to unpack expected 2D got one। अब ये कौन सी मजाक हो रही है और ये किस लाइन पे है? हाँ ठीक है, मसला ये है कि वो सिंपल सा मसला है, ये तो हमें जस्ट एक प्री प्रोसेसिंग रिटर्न करता है, तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए वेक्टर या क्लीन सेंटेंस विद पैडिंग, सब कुछ, या बजस सेंट लिखो। अब इस पे मैं प्रेडिक्शन मारूंगा, तो मेरे जो डीप लर्निंग के मॉडल का नाम है वो है मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल के अंदर जाके प्रेडिक्ट को कॉल करता हूँ, और प्रेडिक्ट को कॉल करने के बाद और इसको पास करता हूँ जो प्री प्रोसेस सेंटेंस है, क्लीन सेंटेंस, वो भेजता हूँ।
और ये प्रोबेबिलिटी देगा। तो मैं क्या करता हूँ, नम पाई लाइब्रेरी की मदद से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है प्रोबेबिलिटी है वो निकालूंगा। यानी अगर ये 10 इमोशन प्रेडिक्ट करता है तो वहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम 94 95 वही तो हमारा बेस्ट प्रडिक्शन होगा, वो उठाता हूँ। और यहाँ पे आपको एक्सेस बताना पड़ता है कॉलम वाइज, लास्ट वन सॉरी, और इसका जीरो आप निकलवाते हो। और इसको मैं, और चूंकि ये आपको देगा प्रोबेबिलिटी, तो मैं मुझे प्रोबेबिलिटी थोड़ी चाहिए, यानी एक्चुअली वो जो लेबल ऊपर हमने मशीन में किए थे, मुझे चाहिए एंगर। अगर एंगर की प्रोबेबिलिटी 94 है तो 94 नहीं चाहिए, मुझे एंगर चाहिए। यूज़र को मैंने एंगर दिखाना है, तो हमने इस पे लेबल इनकोडिंग भी करना होगा क्योंकि मॉडल लेबल इनकोडेड है। और फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या करता है कि आपको लेबल, अगर एंगर को 4 मिला है तो यहाँ पे जो 4 होगा रेट पलट के मिलेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी लेट से 94 है, वो 4 को कन्वर्ट करेगा दोबारा एंगर में। और यहाँ पे इसको हम कहते हैं इमोशन, ठीक है, ये हमारा इमोशन हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मुझे प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, तो वो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो ये होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एनपी डॉट, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो निकलवाऊंगा मैं। और इसको मैं यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी भी कह सकता हूँ या लेबल। और यहाँ पे आपको ये चीज़ हटाना होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको हटाना, एनपी डॉट मैक्स मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, एक एक्स्ट्रा है आई थिंक, अब परफेक्ट है। ओके, वाई कंटेंट प्रीवियसली अनसीन लेवल 0.95, तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लेबल इनवर्स ट्रांसफॉर्म एनपी डॉट मैक्स मॉडल डॉट प्रेडिक्ट क्लीन टेक्स्ट जो यहाँ पे हमें मिल चुका है उसका हमने लेबल निकलवाया विद दिस, और हमें मिला इमोशन, ठीक है। और फिर एन पी डॉट मैक्स मॉडल डॉट प्रेडिक्ट क्लीन सेंटेंस का हमने लेबल यानी प्रोबेबिलिटी इमोशन, तो भाई एरर क्यों दिया। प्रेटेक्स्ट, अच्छा मैं यहाँ पे मैक्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्लियरली लेवल एन पी डॉट मैक्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, ये देखो अगर मैं एरर दिखाऊँ तो ये क्लियरली बता रहा है हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो जो एक्चुअली लेवल है। तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट मैक्स यूज़ करना होगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट मैक्स, तभी तो वो मैक्सिमम जो होगा लेवल वो निकलवाएगा। सो दिस टाइम इट शुड वर्क, हाँ अब ठीक है। लेकिन इसने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, सो पहला था ही आई हैड्स मैंगोज, और इसका जो लेवल है वो एंगर, और एंगर को हमने जब लेवल इनकोड किया था तो 4 मिला था, और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हमें है जो इसका सेकंड है टूम, तो सेकंड सेंटेंस क्या था वो देखते हैं एक बार से। आई फील स्ट्रांग एंड गुड ओवरऑल, हाँ आई थिंक ये जोए हैं, तो जोए को डेफिनेटली 2 मिला था, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद एंगर है, हाँ यहाँ पे आई थिंक इसने गलत प्रेडिक्ट किया है क्योंकि ही इज़ रियली स्वीट एंड केयरिंग, लव है, और लव को आई डोंट नो कि कौन सा मिला था, बट मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आप इसने इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया, आई डोंट नो वाई। ऑलराइट, तो ये था अपना डीप लर्निंग वाला। अब इस मॉडल को आपने सेव करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मॉडल डॉट सेव लिखते हो, ये कोई मशीन लर्निंग वाला नहीं है, आप डीप लर्निंग वाला मॉडल है, मॉडल डॉट H5, और इसको रन करो। तो अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊँ तो ये देखो मॉडल H5 आ गया। तो हमने जो मशीन लर्निंग वाला काम किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने सेव किया था, उसका लेबल इनकोडर भी हमने सेव किया था, और फिर मॉडल हमने सेव की TF-IT वेक्टर जो मशीन लर्निंग वाला आया हमने किया था। तो हम जाते हैं पाइचाम में, और वहाँ पे डीप लर्निंग के बजाय लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करेंगे क्योंकि उसके रिजल्ट ही बहुत ही अच्छे थे। सो मैंने पाइचाम ओपन किया है,
और पाइथन के अंदर वही सेम फोल्डर है, और यहाँ पे मैंने एक इन्वायरमेंट भी बनाया है। अब इसके अंदर आपके पास होना चाहिए लेबल इनकोडर डॉट पी के एल टू मशीन लर्निंग के किस में हमने सेव किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये मॉडल आप डिलीट भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है। टी एफ आई डी वैक्टराइजर, ये चीज़ आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना मेन काम करते हैं। अब देखना, मैंने जैसे कि कहा मैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी आसान है, अदरवाइज हम फ्लास्क का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊँ, और जब ये बनाते हों तो आउटर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके आपको जाना है न्यू में, और जाना है पाइथन में, और यहाँ पे लिखना है एप डॉट पाई, ठीक है। और इसको मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ ताकि चीज़ें हम देख सकें साइड बाय साइड, परफेक्ट। सो सबसे पहले काम जो आपने यहाँ पे करना है वो ने आपने इंस्टॉल करना है, लेट मी चेक। ओके, आपने जाना है टर्मिनल में और यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल स्ट्रीम लेट, और एंटर करो, आपका ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है साइकट लान, ठीक है, और इसको भी एंटर करना है। तो साइकट लान की एक्चुअली आपको जो वर्जन हमने यूज़ किया था वही वर्जन यहाँ पे भी इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको बताया था आई थिंक ये मशीन लर्निंग वाली फाइल है, तो मैंने साइकट लर्न का वर्जन आपको बताया था 1.3.2, यही सेम वर्जन आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है। साइकट लर्न इक्वल इक्वल टू 1.3.2 एंटर करें तो ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद नम पाई को भी इंस्टॉल करना, उसके बाद पांडास को भी इंस्टॉल करना, बाकी चीज़ें छोड़ दो। बढ़िया, सो चलिए इम्पोर्ट करते हैं। सो इम्पोर्ट्स लाइक दिस, सो आपको लिखना है इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज एस टी, ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी, इम्पोर्ट टिकल ये भी इंस्टॉल कर लेना अगर इंस्टॉल नहीं है। इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट नम पाई एंड पांडास एज पी, उसके बाद हम क्या करते हैं, लोड करते हैं लोड मॉडल्स। सो जो सेम मॉडल है उनको लोड करते हैं। सो मॉडल विल बी इक्वल टू पिकल डॉट लोड, ओपन कर दो किसको, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको, और यहाँ पे आपने मोड देना है बाइनरी, ठीक है, ये ज़रूरी है। और बाइनरी रीड बाइनरी मोड, सॉरी, इसको मैं कंट्रोल डी डी करता हूँ 3 times, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बजाय हमारे पास लेबल इनकोडर भी आप इनको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, और इसको मैं कहता हूँ एल बी, और जो टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर है वो भी आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। एक बार फिर से रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ, परफेक्ट। सो टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लेना, परफेक्ट। सो ये करने के बाद आपके मॉडल आ गए, अब हम बनाते हैं अपना ऐप। सो आप कैसे बनाते हो ऐप, बहुत सिंपल है, आप स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके लिखते हो टाइटल, और इसको आप कहते हो इमोशन या 6 NLP इमोशंस डिटेक्शन ऐप, इमोशंस या, और उसके बाद अब क्या करते हो, जस्ट लेट मी शो यू, अगर मैं टर्मिनल में जाऊँ और इसको रन कर दूँ तो आप देख पाओगे कि यस आपने यहाँ पे लिखना है टर्मिनल के अंदर स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई, जैसे आप लिखोगे तो आपका ऐप ओपन हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये आ रहा है, तो ये ऐप है। अब यहाँ पे हम एक इनपुट डालेंगे, जो यूज़र से हम टैक्स लेंगे, ठीक है। सो इनपुट टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा,
और यहाँ पे एसटी डॉट टेक्स्ट इनपुट आप लिखते हो, पेस्ट योर टेक्स्ट हियर, और एक बटन भी डालता हूँ इफ इफ एस टी डॉट बटन, और उसको नाम देता हूँ प्रेडिक्ट। तो फिर कुछ करना चाहिए लेकिन अभी के लिए नहीं, तो मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब यहाँ से ऑलवेज रीरन भी कर सकता हूँ। तो ये देखो अब यहाँ पे टेक्स्ट डालेगा तो प्रेडिक्ट पे क्लिक होगा और कुछ होना चाहिए, ठीक है। नाउ इन दिस प्रेडिक्ट फंक्शन, अब मैं वापस नोटबुक में जाता हूँ और मैंने जो मशीन लर्निंग का कोड इम्प्लीमेंट किया था एग्जैक्टली वो फंक्शन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट वही फंक्शन यहाँ पे आपको यूज़ करना है। कहाँ पे है दिस फंक्शन, मुझे ये फंक्शन चाहिए। सो इसके ऊपर मैं यहाँ पे नीचे आके लिखता हूँ कस्टम फंक्शंस, मुझे दो फंक्शन चाहिए, एक ये प्रेडिक्शन वाला। नाउ ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये एक्चुअली वो मशीन लर्निंग वाला जो हमने मॉडल किया था वो फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम है प्रेडिक्शन, जिसके पास एक इनपुट टेक्स्ट आएगा। सो प्रेडिक्शन फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसको मैं यूज़र का इनपुट भेज रहा हूँ, यानी जैसे बटन पर क्लिक होगा ये यूज़र का इनपुट अगर पोर्ट किया है तो वो जाएगा किसके पास, इस फंक्शन के पास, प्रेडिक्शन के पास, और ये फिर जाएगा क्लीन टेक्स्ट, क्योंकि इसको हमने क्लीन करना है। तो वो भी आई थिंक हमने बनाया था हाँ ये वाला, मैं यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, मैं समझाता हूँ, ठीक है। सिंपल ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई ख़ास वो नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा NLT की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लेना, तो मैं यहाँ पे NLT की लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करता हूँ लाइक दिस, और NLT के से मुझे फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम इम्पोर्ट पोर्टर स्टैमर, क्योंकि ये मेरे क्लीन टेक्स्ट में आई थिंक यूज़ हुआ है। ये देखो पोर्टर स्टैमर यूज़ हुआ है, और रेगुलर भी हमने यूज़ किया, रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी, तो वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट रेगुलर। आई थिंक बस यही इम्पोर्ट्स हमने करने हैं। सो अब देखना फ्लो को समझो। सबसे पहले कंपाइलर मियाँ यहाँ से स्टार्ट होगा, टाइटल दिखाएगा, इनपुट टेक्स लेगा, यूज़र बटन पर क्लिक करेगा, ये जाएगा कहाँ पे, इस फंक्शन के पास, और ये पलट के हमें ये दो चीज़ें देगा लाइक दिस। सो ये जो फंक्शन है प्रेडिक्ट, इसके पास आएगा, ठीक है, और ये इनपुट टेक्स्ट पर जाएगा क्लीन टेक्स्ट फंक्शन के पास। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई थिंक ऊपर वेरिएबल का नेम डिफरेंट है, और क्लीन टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे, सॉरी ये जो इनपुट टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्लीन होके पलट के हमें क्लीन टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है, स्टॉपर्स रिमूव होने के बाद, लोअर केसिंग, स्प्लिटिंग, सब कुछ, और ये क्लीन टेक्स्ट है। अब इसको जिस तरह हमारा मॉडल नंबर्स में कन्वर्ट किया था वहाँ पे नोटबुक में मशीन लर्निंग के केस में, तो TFID वेक्टराइजेशन से आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। अब यहाँ पे आप फिर ट्रांसफॉर्म के बजाय लिखते हो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और फिर एक लिस्ट के अंदर क्लीन टेक्स्ट पास करके ये आपकी वेक्टर्स बनाएगा। फिर ये LG क्या है, इसको मैंने मॉडल नाम दिया है, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन से प्रेडिक्ट करता हो इस इनपुट वेक्टराइजर को, तो ये आपका प्रेडिक्टेड लेबल होगा, यानी एक्चुअली वो जो लेबल था वो होगा 0 जो भी था। फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हो इस प्रेडिक्टेड लेबल को, ठीक है, और आपको मिल जाएगा इमोशन। अगर 4 प्रेडिक्ट किया है तो यहाँ पे 4 के बजाय होगा एंगर, और यहाँ पे भी LG के बजाय मॉडल होना चाहिए। सो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट इनपुट वेक्टराइजर, अब जो इनपुट वेक्टराइज पे, इस पर हमने इनपुट का लेबल भी निकलवाया, और ये दो चीज़ें मैंने रिटर्न किए, और ये दो चीज़ें अब यहाँ पे आ गए, ठीक है, बस इतनी सी बात थी। सो अब हम ये दो चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करते हैं सिंपल सा। सो या आप टाइटल से के बाद एक और काम करो, यहाँ पे लिखो ST डॉट राइट, और यहाँ पे हमारे पास इमोशन भी दिखा दो खूबसूरती के लिए, जॉय भी एक इमोशन है, फियर भी एक इमोशन है, लव भी एक इमोशन है, एंगर भी एक इमोशन है, एंड वी हैव सैडनेस, वी हैव सरप्राइज,
प्राइस ये 6 इमोशन यूज़र को दिखा दूँ, और अब ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो एस टी डॉट राइट आप लिखता हूँ और मैं कहता हूँ प्रिडिक्टेड लेबल, और ये होगा प्रिडिक्टेड इमोशन दिस वन, सॉरी दिस शुड बी इमोशन, प्रिडिक्टेड इमोशन, इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ और ये होगा प्रिडिक्टेड लेबल या प्रोबेबिलिटी भी आप कह सकते हो। सो दिस विल बी लेबल, बस इतना सा कोड हमने करना था। अब मैं जाके इसको रिलोड करता हूँ, ये खुद होगा क्योंकि मैंने ऑलवेज रन किया था। तो ये है वो इमोशन और ये है अपना इनपुट टेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही हैट्स यू, ये एंगर है एंड वी विल सी एंगर डेफिनेटली। अब ये बिल्कुल न्यू डाटा है जो मॉडल ने देखा ही नहीं है। वी लव ईच अदर, ये लव है डेफिनेटली। आई एम वेरी हैप्पी, ये जॉय है। तो एक दो यहाँ से उठा लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग क्रॉचिंग, और ये डेफिनेटली मुझे जो लगता है एंगर है, ठीक है एंगर। और इसी तरह अच्छा, लॉजिस्टिक के केस में जो लेबल था एंगर का वो ज़ीरो था आई थिंक। सो ये इंटरनली हो रहा था, इन पे हमारा कोई कमांड नहीं है। यू मेड मी वेरी क्रेजी, ये आई डोंट नो कि ये क्या है, ये भी एंगर हो सकता है। सो ये सैडनेस है, हाँ ये सैडनेस है डेफिनेटली, और सैडनेस का लेवल यहाँ पे 4 है। तो या ये था एप जिसमें हमने एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया। अब एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया वो LSTM है। RNN, LSTM, BLSTM ये सेम ही चीज़ है, बस LSTM में एक RNN में एक एरर था ग्रेडियंट वैनिशिंग का, मेमोरी का, उसको सॉल्व किया LSTM ने जो आर्किटेक्चर मैंने डिफाइन किया। यानी एक्चुअली मैंने तो सिंपल जस्ट बता दिया कि RNN किस तरह काम करता है, वही LSTM में। और LSTM में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया। तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो होगा डीप लर्निंग में प्रोजेक्ट नंबर 4 फैशन रिकमेंडेशन सिस्टम के। जब हम एक इमेज अपलोड करेंगे, लेट्स से बूट का इमेज हमने अपलोड किया या किसी क्लोथ का इमेज हमने अपलोड किया, तो वो 5 टॉप रिलेटेड क्लोथ्स या बूट्स रिकमेंड करके देगा यूजिंग रेजनेट एल्गोरिदम। सो सी यू देयर।